बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं एपिसोड रीड करने जा रही हूँ, दोस्त दारम असकलम अरी शाह की, वो है एपिसोड नंबर 9। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एक जंग लड़ रहा था, उसे अपना आप बिल्कुल बेजान महसूस हो रहा था। वो जो कल तक उसे अपनी बेपनाह चाहतों के हिसार में समझ रहा था, आज उसे पता चला था कि वो सब तो सिर्फ धोखा है। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, वो इन सब चीजों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ दौलत की खातिर। उसे कोई मोहब्बत नहीं है उससे, और ना ही उसने कभी चाहा है। पिछले 5 महीनों में उस पर अपना सब कुछ लौटा चुका था, सिर्फ इसलिए कि वो उसे कबूल कर ले। ये सब कुछ उसने चचा साई के लिए हरगिज नहीं किया था। उसकी चाहत, उसकी अपनी ख्वाहिश थी। वो बचपन से उसका ख्वाहिशमंद था, उसे दीवानगी की हद तक चाहता था। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगर वो उससे जान मांग लेती तो शायद वो जान देने के लिए भी पीछे ना हटता। वो मोहब्बत थी उसकी, चाहत उसका सब कुछ थी। और कितनी आसानी से वो उसे कह गई थी कि वो सिर्फ एक ड्रामा था, वो उसे धोखा दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो हार गया हो, अपनी बेपनाह मोहब्बतों के साथ वो हार गया था। उसकी मोहब्बत उसके मुंह पर मार दी गई थी। दारम साईं, समझ नहीं आती इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जैसे ही गाड़ी रुकी तो वे जल्दी से चलते हुए उसके पास आए थे। रात के इस वक्त दारम का फोन आना और फिर दारम का उन्हें नदी के करीब बुलाना उन्हें बेहद परेशान कर गया था। वो जितना जल्दी हो सका यहाँ पहुंचे थे, यहाँ तक कि वो अपने साथ ड्राइवर को भी नहीं लाए थे क्योंकि दारम ने उन्हें अकेले आने के लिए कहा था। खैरियत होती तो क्या आपको यहाँ बुलाता इस वक्त चचा साईं? वो उन्हें देखता पत्थर नदी की जानी फेंक रहा था। उसके अंदाज ने उन्हें भी परेशान कर दिया। वो उसके पास ही जमीन पर बैठकर इस बात को जानना चाहते थे जिसकी खातिर दारम साईं ने आधी रात को उन्हें यहाँ पर बुलाया था। हाँ बताओ, मुझे क्या बात है, मैं जानना चाहता हूँ। दारम, तुम परेशान लग रहे हो। वो उसे देखते खुद भी परेशान हो गए थे। गौर से देखिए चाचू साईं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं हार गया हूँ आज। दारम साईं, उसके यूं हार मानने पर वो हैरानगी से देखने लगे थे। दारम शाह, और हार मान जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। आपकी बेटी ने हरा दिया चाचू साईं, 6 महीने पूरे होने वाले हैं और वह इन ड्रामों से थक गई है और आपसे यही उम्मीद करती है कि आप अपनी डील पर कायम होंगे। उसने जैसे धमाका किया था। वो बेयकीनी से उसे देखते रहे। अगर जो उसकी बात सच थी तो उन्हें लगा जैसे वो खत्म हो गए हों। तुम्हें गलतफहमी हुई है दारम साईं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी सबको कबूल कर चुकी है, वो तुमसे मोहब्बत करती है और हमसे भी। वो बहुत खुश है तुम्हारे साथ। अगर ऐसा कुछ भी होता तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तक वो इस बारे में कितनी बार बात कर चुकी होती? पिछले 5 महीनों में उसने अपने आप को पूरा बदल दिया है दारम। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारी खातिर नहीं करती वो मुझसे मोहब्बत। चाचू साईं, नहीं है उसे मुझसे मोहब्बत, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती वो मुझसे, मेरे घर वालों से या फिर आपसे। वो खत्म कर देना चाहती है ये सारे रिश्ते जो उसकी कैद की वजह बनते हैं। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से की जायदाद के लिए आई थी, और इस बात को कबूल करें आप जिस तरह से मैं कबूल कर चुका हूँ। उसकी आंखों में मुझे कहीं अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आई। इस मासूम चेहरे के पीछे बहुत भयानक चेहरा है चाचू साईं। दिल तोड़ना तो कोई उससे सीखे, इतनी खूबसूरती से तोड़ेगी फिर दोबारा कभी दिल लगाने की हिम्मत नहीं होगी। वो उन्हें देखते हुए बोला, नहीं दारम, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बेटी है, नहीं जा सकती हमें छोड़कर। दारम, उसे रोक लो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम डर को मत छोड़ो। दारम, वो भटक जाएगी, बच्ची है नहीं समझ पाएगी, जिंदगी को समरा इस्तेमाल कर रही है, मेरी बेटी को इसकी नादानी की सजा मत देना। दारम साईं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को खुद से दूर मत करना, अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम्हारा चाचू भी मर जाएगा। वो उसके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अपने सामने एक भरपूर मर्द को इस तरह से रोते देखकर दारम खुद भी तड़प उठा था। चाचू साईं, मैं उसे छोड़ नहीं रहा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि तैयार रहें, आपकी बेटी जल्द ही आपको बहुत बड़ा झटका देने वाली है जिसे सहना आसान नहीं होगा। वो उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए बताने की कोशिश कर रहा था, जबकि चाचू साईं को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी भी उनकी पहली बीवी की तरह चालबाजियां करती है। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। डर की आंख खुली तो दारम अब तक कमरे में वापस नहीं आया था। वो पहले 1 घंटे तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन फिर ये सोचकर कि आज नहीं तो कल सब सच सामने आना ही था तो घबराना कैसा, वो फ्रेश होने के लिए गई क्योंकि उसके हिसाब से इस सिचुएशन का सामना तो बाद में भी करना था। क्या फर्क पड़ता है कि अगर उसने पहले ही कर लिया तो। वो नहाकर कमरे से बाहर निकली तो दारम कमरे में ही था। अब ना जाने वो उससे क्या कहने वाला था। जो भी था वो अपने आप को हर तरह से तैयार कर चुकी थी। कल रात दारम ने कहा था कि वो उसे तलाक देने का इरादा नहीं रखता, लेकिन वो तलाक लेकर ही जाने का सोच रही थी। जानम साई, मेरे कपड़े निकालो, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, मोबाइल टेबल पर रखता बेड से उठते हुए उसे मुखातिब करने लगा। उसका अंदाज बिल्कुल
कल जैसा था, जिसे सोचकर दर के इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजी। उसने हैरानगी से एक नजर दारम की जानिब देखा था। क्या आपने मुझे मुखातिब किया है? वो अपनी हैरानगी छुपाते उसे सवाल करने लगी तो बात लेने जाता दारम मुड़कर उसे देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। मेरे ख्याल में बीवी तुम हो, और ऐसे कामों के लिए बीवी को ही बुलाया जाता है। उसके करीब आता वो उसे ड्रेसिंग टेबल के साथ दीवार के साथ लगाने पर मजबूर कर गया था। उसके एक एक कदम के साथ ही वो अपने कदम पीछे हटा रही थी। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए वो बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर बोला, जी हाँ मैं ही हूँ बीवी, एक महीना रहता है ना। उसने मुस्कुराकर उसे मजीद आग लगाई। उसका एक महीना कहने पर दारम के लबों की दिलकशी और फट गई थी। एक महीना नहीं, एक जिंदगी रहती है जानम साई। इस जिंदगी में तो अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तोहफे वापिस नहीं किए जाते, और तुम मेरे लिए एक हसीन तोहफा हो। उसके चेहरे पर उंगलियों के पूरों से हाथ फेरता वो उसे घबराहट में मुबतला कर गया था। दर ने उसे दूर हटने के लिए मुजाहमत की तो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद करता वो उसके लबों पर झुका था। उसके लबों को अपने लबों की कैद में लिए वो मुकम्मल मदहोश होता उसके हाथ छोड़कर अब उसका चेहरा थाम चुका था। उसकी सांसों में सांस लेती वो बुरी तरह उसकी बाहों में मचल रही थी, लेकिन उसकी मजाहमत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए अपनी तलब पूरी कर रहा था। उसके लबों को छोड़ता वो पीछे हटकर दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया तो दर गहरी गहरी सांसें लेने में मसरूफ थी। मेरे कपड़े निकालो जानम साई, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक कमरे से भागना मत, क्योंकि अब तक मेरी प्यास नहीं बुझी, उसे कहता वो वॉशरूम जाने लगा था। जब दरवाजे पर फिर से मुड़कर उसे देखा वो अब भी दीवार के साथ लगी उसे देख रही थी। कल रात उसके हाथ के दो थप्पड़ खाकर उसका गाल बुरी तरह से सूजा हुआ था, जो दारम के लिए तकलीफ की वजह बन रहा था, लेकिन दर को उसकी परवाह तब होती है जब उसे कोई फर्क पड़ता हो। वो तो हर चीज के लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन दारम से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उसे सच में लगा था कि बेवफाई के जुर्म में वो उसे सजा के तौर पर तलाक देगा, लेकिन वो तो कुछ और ही सोचे हुए था। वॉशरूम के दरवाजे से उसे देखता वो उस वक्त उसे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी जिंदगी का एक असूल है जानम साई, जो मेरा हो वो सिर्फ मेरा ही रहता है। दारम अपनी चीजों में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता, तुम तो फिर मुहब्बत हो, मैं तो अपनी मनपसंद चीजें भी नहीं छोड़ता। अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम इसे अपने लिए कैद समझो या मेरी दीवानगी, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम अब से नहीं हमेशा से ही सिर्फ दारम शाह की हो और ता कयामत तक रहोगी। वो एक बार फिर से मुस्कुराता उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया था, जबकि वो सर दीवार पर रखे बंद दरवाजे को देख रही थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सनान, क्या ये सच है? क्या ये लड़की सच में तुम्हारी बीवी है? बाबा साईं उसके कमरे में खड़े उससे सवाल कर रहे थे। थोड़ी देर पहले ही उन्हें मुस्कान के बारे में पता चला था। मुस्कान नाम की लड़की घर क्यों आई थी? क्यों किसी अनजान लड़की को उनके घर में पनाह मिली थी? इस सवाल के साथ वो दारम के पास पहुंचे तो दारम ने कहा कि चाचू साईं, सवाल का जवाब आप सनान से मांगे, वो लड़की आपके बेटे की मनकूहा है। वो लड़की मुकम्मल तौर पर अपना जहनी तवाजुन खो चुकी है, उसे सवाए अपने शोहर के और कुछ भी याद नहीं है, और ऐसी कंडीशन में सनान साईं के अलावा और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैं उसे इस घर में ले आया हूँ, ताकि सनान इसका बहुत ख्याल रखे। बाबा साईं को दारम की बात बहुत अजीब लगी थी कि सनान जरनेश के लिए इतने सालों से पागल, और कहां वो किसी और लड़की को बीवी के तौर पर घर पर रखता। ये दो चीजें उन्हें बहुत परेशान कर गई थी, इसीलिए उसके कमरे में आते हुए वो उससे सवाल करने लगे। उन्हें लगा था कि यकीनन सनान वो कहानी नहीं सुनाएगा जो दारम ने सुनाई थी। दारम ने मुकम्मल बात तो नहीं बताई, मगर इतना बता दिया था कि आपका बेटा मजबूर था और मजबूरी में ही उसने ये कदम उठाया था। 3.5 साल पहले उसने कैलाश की किसी लड़की से निकाह किया था, और अब मुस्कान उनके साथ उनकी हवेली में ही रहेगी, वो भी सनान की बीवी के रूप में। वो नहीं जानते थे कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ था। 3.5 साल पहले उन्होंने सनान को इलाज के लिए अमेरिका भेजा था, लेकिन जब वो वापस आया तब उसका जरनीश की तरफ शादी का जोर काफी कम हो गया था। उसने अपनी शादी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आना शुरू हो चुके थे। उन्होंने 2-3 बार सनान से बात की कि वो जरनीश का रिश्ता मांगेंगे, तो सनान ने कहा कि फिलहाल रहने दें इस बात को, और उसकी ये बात बाबा साईं को काफी परेशान कर गई थी, क्योंकि जहाँ सनान जरनीश के लिए पागल था, वहीं वो उससे शादी की बात को क्यों टाल रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि 5 महीने पहले भी उन्होंने सनान को मुश्किल से ही मनाया था। शादी की बात सुनकर वो काफी परेशान हो गया था। अदा साईं चाहते थे कि वो अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगे, लेकिन सनान की तरफ से उन्हें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर आखिर वो सनान को सख्ती से इस टॉपिक की जानिब ले आए तो वो शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके शादी ना करने के पीछे इस तरह की कोई वजह होगी, यह तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। बाबा साईं, वो लड़की मेरी बीवी है, 3.5 साल पहले मेरा उसके साथ निकाह हुआ था। दारम साईं का हुक्म है कि अगर मैं उस लड़की को अपनी बीवी के तौर पर इस घर में कबूल नहीं कर सकता तो मुझे जरनीश को छोड़ना होगा। दारम के हुक्म पर ही वो लड़की यहाँ रह रही है, और मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में।
वो उनके सामने अपनी बात को कबूल करते हुए बोला तो बाबा साई परेशान हो गए। और जर्निश, जर्निश क्या तुम्हारी पहली शादी को कबूल करेगी? क्या वो मुस्कान को अपने घर में अपनी आंखों के सामने कबूल करेगी? सनान, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी शादी जर्निश से करता ही नहीं। तुमने मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा कर दिया, मैं उसके सामने सर कैसे उठाऊंगा? तुमने बहुत गलत किया सनान, तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? अपने ही घर की लड़की से शादी करने से पहले कम अज कम अपनी हकीकत तो बता देते। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए जर्निश को तुम्हारे लिए मांगा, लेकिन तुम इस तरह की कोई गलती कर बैठे हो। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सनान? बाबा को बेहद गुस्सा आ रहा था। बाबा साईं, जरी से मोहब्बत करता हूँ, वो मोहब्बत है मेरी, चाहत है मेरी, मैं बचपन से चाहता हूँ उसे, आप जानते हैं। और मुस्कान सिर्फ एक गलती है, गलती हुई है मुझसे उस लड़की से निकाह करके। और ड्रामेबाज लड़की इस तरह मेरे गले पड़ जाएगी, मेरे दिमाग में भी नहीं था, सब ड्रामे कर रही है वो। अपने ड्रामे से उसने दारम को खुद पर यकीन दिलवाया है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ उसको, और जल्द ही उसकी हकीकत दारम के सामने लाऊंगा। और अब मुझे परवाह नहीं है कि उसका खानदान उसके साथ क्या करता है, मैं उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करूंगा, कुछ नहीं लगती वो मेरी। मैं जल्द ही तलाक के कागजात मुकम्मल तैयार करवा कर उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगा, वो उन्हें देखते हुए बोला। उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैं ये सब कुछ नहीं जानता सनान, लेकिन तुम्हारी वजह से जर्निश को कोई तकलीफ हो ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी मोहब्बत को देखते हुए ही मैंने तुम्हें और जर्निश को इस बंधन में बांधा है, और अब किसी बाहर की औरत की वजह से मैं जर्निश की आंखों में आंसू ना देखूं, वो उसे देखते हुए कह रहे थे, जबकि वो खामोशी से उन्हें सुनता सिर्फ हाँ में सर हिला गया। जर्निश की आंखों में आंसू तो वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कल रात ही उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते हुए सब कुछ बताया था। धर्मसाई ने उसे जर्निश के सामने मुस्कान के खिलाफ कोई भी बात करने से मना कर दिया था, इसलिए उसका हुक्म मानते हुए उसने जरी से मुस्कान के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की थी। और अब जर्निश को मुस्कान से काफी ज्यादा हमदर्दी महसूस हो रही थी, और उसकी ये हमदर्दी उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो जरी को मुस्कान से दूर ही रखे, जिसमें अभी तक तो वो कामयाब रहा था, लेकिन आगे क्या होने वाला था वो नहीं जानता था। ये लो लड़की, आज रात के लिए तुम्हारी ड्रेस महंगी में तुम यही पहनोगी, कितनी खूबसूरत है ना? जर्निश उसके लिए ड्रेस लाकर बेड पर रखते हुए उसे सवाल करने लगी। उसने सताईशी नजरों से एक नजर उस खूबसूरत ड्रेस को देखा था, जो वाकई ही बेहद हसीन था। अल्लाह, इसे मैं पहनूंगी? वो इस खूबसूरत जोड़े पर अपना हाथ फेरते हुए बेयकीनी से कहने लगी। जी हाँ, ये तुम पहनोगी और इसे पहनकर बेहद हसीन लगोगी। अब जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, थोड़ी देर में पार्लर वाली आएगी तुम्हें तैयार करने के लिए, और तुम्हें तैयार करने के बाद वो हमें भी तैयार करेगी, इसलिए ज्यादा टाइम मत लेना। और खबरदार, जो तुमने इस दफा पार्लर वाली की गलतियां निकाली। मेरी मेहंदी वाली रात तुम कैसे पार्लर वाली को बातें सुना रही थी? आज रात तुम दुल्हन हो, ये बात याद रखना, और दुल्हन फजूल हरकतें करती अच्छी नहीं लगती, वो उसे समझाते हुए बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। साहिल साई कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे? उसके अचानक हाथ थामकर पूछने पर जर्निश के लोगों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सफेद रंग का लिबास है उनका, उनका सफेद है तो मेरा पीला क्यों, और उनका सफेद क्यों है? अपनी मेहंदी वाली रात वो बेरंग लिबास के कपड़े पहनेंगे, गौर से देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर जरी को हंसी आई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से काबू किया था। ऐ दुनिया के सबसे मासूम दोशीजा, तुम भूल रही हो कि वो एक मर्द है, और मर्द ऐसे ही हल्के रंग के कपड़ों में अच्छे लगते हैं, और सफेद रंग बेरंग नहीं होता है, जिसमें कोई रंग ना हो वो बेरंग ही होता है, और सफेद कोई रंग नहीं होता। और मेरे इनको भी येलो कलर का कुर्ता पहनाएं, उन्हें सफेद कुर्ते मत पहनाइएगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहंदी वाली रात मेरा दूल्हा बेरंग लगे, वो उसे देखते हुए बोली। उसके कपड़े आ चुके हैं मेरी जान, और उन्होंने अपने कपड़े अपनी पसंद से बनवाए हैं, और अब वही पहनेंगे, वो उसे समझाते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने मियाँ को बिल्कुल एक रंग के कपड़े नहीं पहनने दूंगी। या तो उनको पीले रंग की वास्किट पहना दो, कुछ तो मिलता जुलता हो ना। दुल्हन का उसका अपना ही लॉजिक था। जर्निश ने उसकी बात सुनकर अपने माथे पर हाथ मारा था। तुम्हें पता है उन्हें वास्किट से कितनी जिद है? दारा मदा साई की बारात पर भी मिन्नतें की गई थी उनकी, फिर जाकर पहनी थी उन्होंने, और अब तुम अजीब किस्म की जिद लेकर बैठ गई हो, वो जरा सख्ती से बोली। अपना फोन दे मुझे, वो हाथ आगे करते हुए नाराजगी से बोली, तो जर्निश ने भी मुस्कुराते हुए मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। अब न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपनी ही शादी में इन्हीं कामों में उलझा हुआ था। घर में एक और मसला भी चल रहा था, जो सनान और उसकी नई नवेली बीवी जो पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी थी मुस्कान का था। मुस्कान होशो हवास में ही नहीं रहती थी। उस लड़की का जहनी तवाजुन बिल्कुल बदल चुका था, और दारम का कहना था कि सनान ने ही उस पर तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से उसे किसी चीज का कोई होश नहीं है। सनान के लिए इस तरह के अल्फाज उसे दारम के मुंह से बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। वह जानता था, इस बात का यकीन दारम को भी है कि सनान कभी किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकता, और ये लड़की भी उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी,
उसे लग रहा था जैसे वो इन सब घर वालों को देखकर उनको समझने की कोशिश कर रही है। सनार ने तो कहा था कि उसे कमरे में ही बंद रहने दिया जाए, लेकिन दारम ने कहा कि घर में शादी है और वो इस घर का हिस्सा है, इसीलिए वो शादी में भरपूर शिरकत करेगी। जिस पर सनान बिल्कुल खामोश हो गया था। वो ना तो खुद मुस्कान से मिला था और ना ही उसे देखना चाहता था। वो बस मुस्कान की हकीकत सबके सामने लाना चाहता था। इतनी जल्दी सब घर वालों की हमदर्दियां उसने बटोरी थी। वो जल्दी सबको उसका असल चेहरा दिखा देना चाहता था। उसकी यही कोशिश थी ना तो मुस्कान के पास जाए और ना ही वो उससे किसी तरह की कोई बात करे, लेकिन ऐसा मुमकिन भी नहीं था क्योंकि आज फंक्शन घर के अंदर होने वाला था सब औरतों के दरमियान, और दारम ने नूर की बजाय सना और सानिया को मुस्कान का ख्याल रखने के लिए कहा था। वो डर को क्लियर तो कर सकता था, दरनिश को मुस्कान से दूर रखे, लेकिन सना और सानिया इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। उनके सामने इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं समझता था। वो सब लोग अपने अपने मिसाइल में उलझे हुए थे जिसकी वजह से साहिर को ही हाथ पैर हिलाने पड़ रहे थे। वो अभी बाहर की लाइटिंग करके आ रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसके फोन पर जरी का नंबर जगमगा रहा था, लेकिन जरी उसे फोन क्यों कर रही थी? एक ही घर में रहते हुए वो उसे खुद मिल भी तो सकती थी। हाँ जरनिश, बोलो क्या बात है, किस तरफ हो तुम? मैं उधर ही आ जाता हूँ। वो फोन कान से लगाए अपने कमरे की जानिब जा रहा था। मैं जरी नहीं, मैं आपकी होने वाली बीवी, वो रूठे हुए लहजे में बोली तो सीढ़ियों की तरफ उसके जाते कदम वहीं रुक गए। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बोलो होने वाली बीवी, नाराज लग रही हो, खैरियत तो है? लगता है किसी ने डांट दिया। वो फोन कान से लगाए अपने कमरे की जानिब जाते हुए बोला, मुझ मासूम को तो हर कोई डांटता ही रहता है, क्या मांगा था ऐसे मैंने कि मुझ मासूम को इतने बुरे तरीके से घूर कर डांटा गया? वो बेहद मायूसी आवाज में बोली तो साहिर को ना चाहते हुए भी उसे वजह पूछनी पड़ी। आप मुझे बस ये बताएं कि जो काम आप दारम साई की शादी में कर सकते हैं वो क्या अपनी शादी पर नहीं कर सकते? वो उदासी से बोली। उसे याद नहीं पड़ रहा था कि आखिर दारम की शादी में उसने ऐसा क्या किया था, आज वो अपनी शादी पर नहीं कर पा रहा था। तुम बात क्लियर करके भी तो बोल सकती हो, उलझाने की जरूरत नहीं है, जो दिल में है बोल दो, मैं कर दूंगा। उसकी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आज रात को जोड़ा मैं पहनने वाली हूँ ना, बेहद हसीन है और उसके साथ सफेद रंग में खड़ा जीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात आप बास्केट पहने। नहीं बताएं इसमें क्या बुराई है, ऐसी कौन सी अनहोनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया मैंने कि हर कोई मुझे सुनाई जा रहा है? क्या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा मतलब है पर्सनल शोहर के लिए मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती? एक बार फिर हर किसी को मुझे डांटने का मौका मिल गया, मेरा कसूर ही क्या है? बस इतना ही ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जोड़े के साथ आपकी थोड़ी सी मैचिंग हो जाए। इससे पहले कि साहिर कोई भी जवाब देता वो एक बार फिर से शुरू हो गई थी। तुम्हें पता है मुझे बास्केट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा रस्म के लिए तब पहनूंगा, थोड़ी देर के लिए। अब मुंह ठीक करो अपना और मजीद ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम दुनिया की वाहिद लड़की नहीं हो जिसकी शादी हो रही है, वो उसे खामोश होने का कहता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। बड़ी जल्दी मान गए नशई साई, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी और गुस्सा भी। इससे पहले कि वो फोन बंद करता उसने एक और फरमाइश उसे नोट करवाई थी, लहंगा चोली भी पहन लेता हूँ, उसने फोन रखने से पहले सड़े हुए लहजे में कहा। अरे नहीं नहीं, उसके लिए मैं हूं ना, आप बस वही पहने जो मैं कह रही हूँ, बाकी आपकी ख्वाहिशें आपके दिल के अंदर रहें तो ज्यादा बेहतर है, उसने हंसते हुए कहा। जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी, कंट्रोल करो इसे, अगर मैंने कंट्रोल किया तो मुश्किल बनेगी तुम्हारे लिए। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम्हारी नाजुक सी जान किसी तरह की मुश्किल में आए, वो उसे धमकी देते हुए बोला तो जाविश ने फौरन से पहले फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी, उसकी मुस्कुराहट देखते ही जरी भी मुस्कुरा दी। जरी को देखकर उसने बड़े नाज से गर्दन उठाकर उसे देखा। मेरे साहिर साई ने कहा है कि मेरी हर ख्वाहिश उनके सर आंखों पर, वो रस्म के दौरान ना सिर्फ येलो बास्केट पहनेंगे बल्कि मेरी फरमाइश पर गुस्सा भी पहनेंगे। उसके अंदाज में बड़ा मान था जिसे महसूस करके जरनीश ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा था। पार्लर वाली के आते ही वो खुद उसके कमरे से निकलती छोटे छोटे काम निपटाने के लिए नीचे जा रही थी, जब मुस्कान ऊपर की तरफ आती उसका हाथ थाम गई। सनान साइनियों से मुस्कान से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए वो खुद भी काफी एहतियात कर रही थी। जहां भी उसे मुस्कान नजर आती वो खुद ही उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाती थी। मुस्कान ने खुद ही उसका हाथ थाम लिया तो उसे मजबूर होकर उसके पास रुकना पड़ा। मुझे ना सख्त भूख लगी हुई है, तो मुझे खाना दोगी? वो उसे देखती बेहद मासूमियत से उससे सवाल करने लगी, जिस पर जरनीश ने हाँ में सर हिलाते हुए उसे अपने साथ किचन में आने के लिए कहा था। तुम मेरे सनान साई को जानती हो क्या, उसे देखते हुए सवाल करने लगी। तो जरनीश ने एक निगाह उठाकर उसे देखा। मैं अपने सनान साई को जानती हूँ, तो उसके लहजे में अजीब सी जलन थी कि जिसे महसूस करके मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे पास भी सनान साई है? मेरे शोहर का नाम भी सनान है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हवेली लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां ना उनकी एक और बीवी भी है जो बहुत बुरी है,
जो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसीलिए वो उसे छोड़कर मेरे पास आ जाते थे। हम दोनों बहुत खुश रहते थे और मुझे कहते थे कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, वहाँ हमारे बच्चे होंगे। लेकिन फिर सनान साई ने खुद ही मेरा बच्चा मार डाला। हाँ, उन्होंने मार डाला मेरा बच्चा। मैं इतनी खुश थी, हमारा बच्चा दुनिया में आएगा, लेकिन वो इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते थे। इसीलिए तो उन्होंने मुस्कान न जाने क्या क्या बोल रही थी, जबकि जनिश की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसकी किसी भी बात को पूरे ध्यान से सुन नहीं पा रही थी। जर्निश को ढूंढते हुए सनान ने जैसे ही किचन में कदम रखा, मुस्कान को कुर्सी पर बैठे जर्निश से बातों में मसरूफ देखा। लेकिन जर्निश के डगमगाते कदमों पर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, सनान ने उसे थाम लिया था। वो कमरे में आया तो दैर येलो कलर के गरारे में आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाने में मसरूफ थी। उसे आते देखकर उसके बाल बनाते हाथ थम गए, जबकि उसके हाथ थामने पर दारम साई दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराता उसके करीब आया। क्या ये रात के लिए मेरे इस्तकबाल की तैयारी हो रही है? उसके करीब रुकते हुए वो उसके बालों की खुशबू महसूस करता उसे सवाल करने लगा। दर ने आईने में उसे घूर कर देखा। वो बहुत ज्यादा हैरान थी उसकी बातों पर, उसके अंदाज पर। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने दारम साई के लगो लहजे में किसी तरह का चेंज महसूस नहीं किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कल रात मैंने आपका कोई और रूप देखा था दारम साई, और इस वक्त आप मुझे कोई और रूप दिखा रहे हैं। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपको इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में आप इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस हकीकत को कबूल करें कि मैं आपसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, और ना ही मुझे कोई ताल्लुक रखना है। मुझे सच में आप पर तरस आ रहा है, लगता है जरूरत से ज्यादा ही मोहब्बत करने लगे थे आप मुझसे, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। मेरे और मेरे बाप की शर्त के दरमियान आपका वजूद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पता है क्या, दौलत के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और मेरे लिए तो आप एक बेहतरीन ऑप्शन की तरह मेरे सामने आ गए थे। जब मेरे बाप ने मेरे सामने ये शर्त रखी थी ना, तब मैंने इनकार किया था, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि ये ऑफर इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैं समझ रही हूँ, बल्कि मैं तो इस ऑफर से अच्छा खासा फायदा उठा सकती थी। आपको बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल थोड़ी था, आप तो पहले ही मेरे पीछे पागल थे, और फिर मेरे बाप ने खुद आपको मेरे सामने रखा था। शुरू में मुझे भी ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, आपके साथ रहना, यूं मोहब्बत का झूठा ड्रामा करना, आपको अपनी तरफ माइल करना, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन फिर जब मैं इस दौलत को देखती हूँ ना, अपने आप मुझे हर चीज अच्छी लगने लगती है, और फिर मैंने सुना है इस दुनिया में पैसे से ज्यादा और कोई चीज कोई अहमियत नहीं रखती। बस फिर फैसला हो गया, आप खुद मेरे पीछे दीवानों की तरह घूमने लगे और मैं घुमाती रही। लेकिन अब जब आप सारी हकीकत जान गए हैं, तो मुझसे ये सारा ड्रामा मजीद नहीं किया जा रहा, अब मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूँ। आप प्लीज बाबा साईं से भी बात कर लें इस बारे में। अब थोड़ा सा वक्त रह गया है तलाक में, तो मैं नहीं चाहती कि बाद में किसी भी तरह की बदमजगी हो, वह उसे देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में कह रही थी। उसे लग रहा था कि शायद दारम साईं उसकी सब बातों को मजाक में ले रहा है, या शायद अभी वो इन बातों पर यकीन नहीं कर पाया। उसकी सारी बातों के बदले में दारम साईं की मुस्कुराहट की दिलकशी में कोई कमी ना आई थी। जानम साईं, इतना फजूल कैसे बोल लेती हो तुम? मैं जानता हूँ तुम बेवकूफ हो, लेकिन मजीद अपनी बातों से इस बात पर मोहर लगाने की क्या जरूरत है मेरी जान? अभी कल रात ही तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मेरी वजह से सूझा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है बार बार तुम पर हाथ उठाने का? तुम्हें क्या लगता है मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे इस चेहरे पर जख्म देकर? तुम जानती हो कल तुम पर हाथ उठाकर कितना बुरा लगा है मुझे। तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर अपने हाथ का निशान देकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? मुझे औरत पर हाथ उठाने वाले मर्द पसंद नहीं है। दर कल से मैं इस तकलीफ में जल रहा हूँ, मुझे खुद से नफरत हो रही है ये सोचकर कि जंग में जिसको मारना तक जायज नहीं, मैंने उस पर हाथ उठाया है। लेकिन तुम ढीठ वही की वही हो, अभी तक वही सारी बकवास कर रही हो। तुम्हें ना मेरे लाड़ प्यार ने जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दिया है। सही कहते थे सब कुछ औरतों को औकात में रखा जाए तो बेहतर होता है, प्यार की बोली हर कोई नहीं समझता। अगर तुम्हारी यहाँ जगह यहाँ कोई मर्द होता ना, तो उसे उसकी औकात याद दिलाकर मैं उसे सजा दे चुका होता, ताकि वो दूसरी बार मेरे सामने सर उठाकर बात भी ना कर पाता। लेकिन तुम तो तुम हो, बकवास करती रहोगी और मुझे बार बार ये गलती करने पर मजबूर करती रहोगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, बार बार तुम पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाने से ज्यादा मैं तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंककर तुम्हारा गरूर तोड़ना बेहतर समझूंगा। उसने बेहद नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद दर ने बेख्तियार सर उठाकर उसकी जानिब देखा था, जैसे उसके लड़कों पर यकीन ना हुआ हो। मुझे इस तरह से मत देखो दरे दारम, मैं अगर तुम्हारी निगाहों से घायल हो गया, सब गाँव वाले अपना सरदार खो देंगे। उसके हाथों को थामते हुए उसे कमर के पीछे लॉक करके उसे एक झटके में अपने करीब कर चुका था।
मैं जब भी तुम्हारे इतने करीब आता हूँ, मेरी निगाहें तुम्हारे लबों में कैद हो जाती हैं। तुम्हारे लबों को मोहब्बत से छूना मैं अपना हक समझता हूँ। तुम्हारे वजूद को खुद में कैद करने का हक है मुझे। तुम्हें छूना, तुम्हें मोहब्बत करना, तुम्हें खो जाना या तुम्हारी पनाहों में मदहोश हो जाने का हक है मुझे। तुमने खुद दिया है दूसरी बार निकाह के लिए रजामंदी जाहिर करके। तुम मेरी हो और ता कयामत मेरी ही रहोगी। अपने जहन से ये बात निकाल दो कि तुम कभी मुझसे दूर जा सकती हो। ऐसा मुमकिन नहीं है जानम साई। इस दुनिया का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। तुम्हारे चारों तरफ दारम साई है। उसके लबों पे अपने लब रखते हुए वो सरगोशी नुमा आवाज को उसके लबों पर हरकत दे रहा था। उसके लबों से अपने लबों की प्यास बुझाते हुए वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए जा बुझा अपनी मोहब्बत की बरसात करता चला गया। उसके कंधे पर हाथ रखे डरना चाहते हुए भी उसकी बेबाकी को बर्दाश्त कर रही थी। वो लम्हा लम्हा अपनी चाहत उस पर लौटा रहा था जबकि वो उसके सामने उसकी पनाहों में बेबस खड़ी उसे महसूस कर रही थी। उसकी बातों से उसके लहजे से उसे खौफ आ रहा था। उसकी धमकी काफी असरदार साबित हुई थी। वो अपनी कही हुई बातों से ना तो कभी मुकरा था और ना ही कभी पीछे हटा था, लेकिन फिर भी धर्मसाई उसे इतना खतरनाक हरगिज नहीं लगा था जितनी खतरनाक धमकियां उसने दी थी। क्या आप सच में मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक देंगे? उसके बेलगाम लबों को अपनी गर्दन पर महसूस करते वो हैरानगी से उससे पूछ रही थी। लहजे में बेयकीनी वाजे थी। उसके गर्दन से लब उठाते हुए वो मुस्कुराया था। जानम साई, मेरा एक असूल है, जो शख्स मेरी तकलीफ की वजह बनता है मैं उसे अपनी जिंदगी से हटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता, और अगर वो शख्स मेरा करीबी हो तो मैं सबसे पहले उसमें इस क्वालिटी को मिटाता हूँ जो मेरे लिए खास होती है। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा मेरे लिए बेहद अहम है, और तुम्हारे इस चेहरे को देखते हुए शायद मैं तुम पर तरस खाने पर मजबूर हो जाऊँ, क्योंकि ये भी सच है कि मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं सच में तुम्हारे प्यार में पागल हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार। मैं शायद चाहकर भी तुम्हें कोई तकलीफ ना दे पाऊँ, लेकिन जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं अक्सर कहते हैं कि जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है उसे मैं नुकसान पहुंचाता हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस ये बता रहा हूँ कि जिंदगी में जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है आज तक कोई नहीं दे पाया। मैं सच में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर अनजाने में मुझसे ऐसा कुछ हो जाए तो गिला मत करना। वो उसे देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था जबकि दर हैरानगी से उसे सुन रही थी। अरे यार, तुम तो सच में डर गई। मजाक कर रहा हूँ, मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ यार। एक आम से गांव का हमसा सरदार हूँ। उसका गाल थपथपाता वो मुस्कुराते हुए शावर लेने चला गया, जबकि उसके अंदाज ने दर को सच में खौफजदा कर दिया था। वो ऐसा लगता तो नहीं था, और ना ही इन 5 महीनों में दर ने कभी उसका इस तरह का कोई रूप देखा था। तो बहुत मोहब्बत करने वाला, प्यार से रखने वाला इंसान था। इस तरह का लबो लहजा उसने दर के सामने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। यकीनन ये उसे डराने की एक कोशिश थी, लेकिन दर उसे डर कर बैठने वाली हरगिज नहीं थी। उसे छोड़ने का फैसला वो कर चुकी थी और उसकी धमकियों में आने का उसका कोई इरादा नहीं था। इन्हें क्या लगता है, इनकी तेजाब वाली धमकी से डर कर मैं चुप होकर बैठ जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा? ये कितने पानी में है मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। खैर, मुझे मॉम से बात करनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि दारों को सब कुछ पता लगने की खुशी में रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। ये आदमी इतना सीधा हरगिज नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। एक बात जो दारों के साथ रहते हुए उसने इन 5 महीनों में समझी थी वो ये थी कि दारों कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। वो हर किसी का दुख दर्द समझने वाला खुद किसी की तकलीफ की वजह नहीं बन सकता था। किसी को उसकी वजह से छोटी सी चोट भी लग जाती तो वो परेशान हो जाता था, और कितनी आसानी से वो उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दे गया था। अब उसे दारम की पहचान धमकी पर हंसी आ रही थी। उसे यकीन था दारम अपने दुश्मन के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता, और फिर उसे तो वो मोहब्बत का दावा करता है। शायद वो समझ गया था कि दर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और ना ही उसकी धमकी का उस पर कोई खास असर होने वाला है, इसीलिए जाते जाते कह गया कि वो मजाक कर रहा है। हद है दारम साई, कोई धमकी तो ऐसी लगाते जिस पर मैं डर जाती। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि जान से मार देने की या चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी से डर कर मैं आपके साथ इस कैद भरी जिंदगी को गुजारने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। वो जानता था कि दर को अपनी जिंदगी बेहद अजीज है और अपने हुसन पर भी काफी नाज है। वो खुद भी काफी सज संवर कर रहना पसंद करती थी। शायद यही वजह थी कि उसने धमकी के लिए तेजाब का लफ्ज इस्तेमाल किया था। लेकिन अफसोस कि इन 5 महीनों में वो दारों को इतने बेहतर तरीके से जान गई थी कि उसकी धमकियों का उस पर कोई असर ना हुआ। सॉरी दारम साई, इन 5 महीनों में आप तो मेरी हकीकत नहीं समझ पाए, लेकिन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ गई हूँ मैं। वो बड़बड़ाती हुई अपना फोन उठाने जा रही थी कि पीछे बेड पर दारम साई का फोन बजने लगा। उसने एक नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर मोबाइल की जानब पड़ते हुए उसका मोबाइल उठाया। किसी अंसर का फोन आ रहा था। वो नजरअंदाज करते हुए अपने मोबाइल की जानब मुतवज्जा हुई, लेकिन फोन दोबारा से बजने लगा और फिर मुसलसल बजता ही चला गया। उसने कुछ सोचते हुए फोन उठाने का इरादा किया, क्योंकि धर्म सिंह का शायद जल्दी बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था।
शायद उस पर आया गुस्सा ठंडा पानी ठंडे पानी से खत्म करना चाहता था। खैर जो भी था, उधर से फोन उठाते हुए उसने अपने कान से लगाया। दारम साईं, आपके हुक्म के मुताबिक तनवीर की गाड़ी को आग लगा दी है। उसकी लाश को पहचानना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल था। दारम साईं, बुरा मत मनाइएगा, तनवीर तो आपका बेहतरीन दोस्त था, आप तो उससे बहुत मोहब्बत करते थे, तो आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने उसे सीधा जहन्नुम रसीद कर दिया? माफ कीजिएगा साईं, मैं आपकी जातियात में दखल अंदाजी कर रहा हूँ, लेकिन आप तनवीर को अपना सबसे वफादार साथी कहते थे, तो आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो हैरानगी से अंसर के अल्फाज सुन रही थी, जब अचानक उसके हाथ से फोन किसी ने ले लिया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, जो फोन कान से लगाए उसको देखते हुए फोन पर अंसर की बात सुन रहा था। वो मेरे लिए कितना अजीज था, ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ अंसर। धोखा देने वालों से नफरत है मुझे, चाहे धोखा देने वाला मेरा खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, या फिर उसके साथ दिल का गहरा ताल्लुक ही क्यों ना हो। डर के चेहरे को उंगलियों की पूरों से छूते हुए वो बेहद मजबूत लहजे में बोल रहा था। उसके सामने खड़ा शख्स अपने जिगरी दोस्त को कत्ल करवा के आया था, ना जाने उसने उसे धोखा दिया था, लेकिन यकीनन उसका धोखा डर के धोखे से बुरा नहीं होगा। वो खामोशी से उसके सामने खड़ी उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसमें ना तो उसके सामने से हिलने की हिम्मत पैदा हो रही थी और ना ही कुछ बोलने की, यहाँ तक कि उसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि उसके हाथ को थाम कर उसकी बेबाक हरकत को रोक पाती। फोन बंद करते हुए दारम आहिस्सा से मुड़कर आईने के सामने जा रुका, जबकि वो बुत बनी खड़ी अपने बाल सुखाते हुए देख रही थी। किसी गलतफहमी में मुब्तला है वो, कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी? उसके सामने खड़ा शख्स इस गांव का सरदार था, यानी कि सियासत का चलता फिरता चालबाज। इस कुर्सी को क्या उसने खैरात में हासिल किया था जो वो इतनी बेफिक्री से उसकी हर बात को नजरअंदाज कर रही थी? उसकी हर बात, हर धमकी, जिसे वो थोड़ी देर पहले तक कोई अहमियत नहीं दे रही थी, इस फोन कॉल के बाद वो उसे एक अलग नजर से देख रही थी। वो उसे एक आम इंसान समझकर गलती कर रही थी। वो उसकी सोच से ज्यादा तेज था। अब उसे उससे सच में डर लग रहा था। अगर वो अपने जिगरी दोस्त को आग लगा कर मार सकता था तो उस पर तो सिर्फ तेजाब फेंकने की बात की थी। अगर किसी की जान लेना उसके लिए बड़ी बात ना थी तो अपनी बीवी पर तेजाब फेंकना कौन सा कोई बड़ी बात थी? वो बाल बनाकर उसकी तरफ आया, जो कब से उसे आईने में देख रही थी। आहिस्ता से उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसने उसे अपनी जानिब खींचा था। वो किसी टूटी हुई डाल की तरह उसकी पनाहों में गई। बिना किसी मुजाहमत के उसके बाजू में कैद वो उसके चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, जो वो उसे काफी अरसे से छुपाए हुए था। उसके अंदाज और दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसके लबों पर अपने लब रख गया। कतरा कतरा मेरे हलक को तर करती है, मेरी रग रग में तेरी चाहत सफर करती है। उसके लबों को आजाद करते हुए वो मदहोश कुन अंदाज में बोलते उसके बालों पर बोसा देता पीछे हटा। उसके लबों को आजाद करते वो मदहोश कुन अंदाज में बोलते उसके बालों पर बोसा देता पीछे हटा। जानम साईं, तुम्हारा ये रूप बहुत हसीन है, मैं आज रात इसमें पूरी तरह खो जाना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम चेंज मत करना, और अगर तुमने चेंज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, फजूल में चेहरे पर मेकअप मत करना, तुम्हारी लिपस्टिक का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। जब तक मैं आऊँ तब तक चेहरा धो लेना। फिक्र मत करो, इन सबके बगैर भी तुम दारम शाह के दिल में बसी हो। वो प्यार से उसके लबों को एक बार फिर से चूमता उसे छोड़ते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। वो उसके जाने पर जरा सा रिलैक्स हुई थी, लेकिन उसके पीछे मुड़कर देखने पर वो लम्हे में दोबारा अलर्ट हो गई। न जाने क्यों उसे अचानक ही उससे बहुत ज्यादा खौफ आने लगा था। जानम साई, अपने दिमाग से फजूलियात निकाल दो। दारम शाह सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि मौत तक साथ निभाने वालों में से है, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो है ही क्यामत तक, सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे। उसके लहजे में बेपनाह चाहत थी, जबकि आंखों में वार्निंग, जिसे डर बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। सुनो प्यारी सी लड़की, मेहंदी से हाथ की हथेली के बीच में छुपाकर नाम लिखना साहिब साईं का, वो ढूंढते रह जाएं और नाम ना मिले। लाविश काफी एक्साइटेड सी बैठी मेहंदी लगाने में मसरूफ थी, जब उसकी पटर पटर जुबान देखकर दो बार तो अम्मा साईं से बेशरम कहकर जा चुकी थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपनी शादी के हर मोमेंट को इंजॉय करना चाहती थी, और ऐसा ही कर रही थी। सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपनी शादी के लिए उस दिन को बेस्ट बनाने में लगी थी। सना को तो उस पर रश्क आ रहा था, इतनी दलेरी से सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपनी सुनाना और अपनी करना सिर्फ जाविश के ही बस की बात थी। कॉलर वाली लड़की ने एक नज़र उसको देखा, शायद वो उसे अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश लगी थी, और इसमें तो कोई शक नहीं था, वो सच में अपनी शादी से बहुत खुश थी, और अपनी खुशी को अपने मुस्कुराते चेहरे पर सजाए वो बेहद मुतमईन थी। जो भी उसे देखता माशाल्लाह कहे बिना नहीं रह सकता था। उसकी बनिस्बत सना खामोश थी। सना का सिर्फ निकाह था, वो भी फोन पर। शादी तकरीबन 6 माह बाद करार पाई थी, जब सारा फूफो साईं के शोहर बिल्कुल ठीक होकर खुद अपने बेटी की शादी में शिरकत करेंगे। सना को भी आरिश को समझने का अच्छा वक्त मिल चुका था। आरिश उसका कजन था, जिसके साथ बचपन से ही उसकी बहुत दोस्ती थी।
तो हुसैन ने हमेशा उसे आरिश के लिए सोचा था और आरिश खुद भी उसके लिए जज्बात रखता था। कल रात आरिश का उसे फोन भी आया था, लेकिन शायद फितरती शर्मो हया की वजह से वो फोन उठा नहीं पाई। सना को समझ नहीं आ रहा था कि वो फोन उठाकर उससे क्या बात करेगी। आरिश तो हमेशा से ही उसके सामने अपने जज्बात का इजहार करता आया था, लेकिन अब जब निकाह में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगी थी। जब आरिश के सामने वो शुरू से ही खुलकर कुछ भी बोल जाया करती थी। जब आरिश ने आज से तकरीबन 6 साल पहले उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तब सना को उसका इजहार इतना बुरा लगा था कि वो काफी बेबाकी से कह चुकी थी कि वो दारम साई से मोहब्बत करती है और आरिश उसकी जिंदगी की किताब में कहीं भी शामिल नहीं हो सकता। वो दिन आरिश के लिए काफी तकलीफ दे था और उसी दिन वापस चला गया था, लेकिन उसे याद था, उसने कहा था, अल्लाह करे तुम्हें दारम साई कभी ना मिले और तुम मेरी हो जाओ। हाँ मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बददुआ दे रहा हूँ, हाँ मैं जानता हूँ मैं खुदगर्दी से काम ले रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखने का हौसला भी नहीं है मुझमें। हाँ नहीं हूँ मैं इतना मजबूत। आरिश शाह एक आम सा शख्स है जो एक बेहद खास लड़की से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। कल तक ये सारी बातें उसे बहुत गुस्सा दिलाती थी, लेकिन अब आरिश को ही सोचे जा रही थी, उसकी बातों पर, उसके अंदाज पर मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों अचानक ही उसे आरिश की हर चीज अच्छी लगने लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपने इस रिश्ते को वक्त देना चाहती थी। वो इतनी जल्दी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहती थी, लेकिन हर माँ बाप की तरह उसके माँ बाप भी उसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला ही कर रहे थे, इसीलिए वो खामोशी से सर झुकाए उनकी बात सुनने मानने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन जाविश सर झुकाकर बैठने वालों में से थोड़ी थी, वो तो मिसिस जाविश साहिर शाह थी। उसे अपनी शादी का एक एक लम्हा खास बनाना था, जिसके लिए वो खुद ही कोशिशें कर रही थी। अरे अरे छोटा छोटा लिखो ना, बिल्कुल छोटा छोटा, साहिर साई ढूंढ ना पाए, कम अज कम उनको अपना नाम ढूंढने में 1 घंटा तो लगना चाहिए, वो एक बार फिर से बॉलर वाली को टोकते हुए बोली। सना अदी, जनिश अदी और सना नदा वापिस आई अस्पताल से। सना बाहर से होकर आई तो जाविश ने उससे सवाल किया, जिस पर उसने नामे सर हिला दिया। पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया है, बेहोश हो गई थी। सनान साई तो पागल हो रहा था उसके पीछे, उसे लेकर अस्पताल चला गया था, जबकि सब पीछे परेशान थे। जहाँ घर में मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था, वहीं जर्निश की परेशानी भी हर एक के चेहरे पर थी। मुस्कान न जाने जर्निश से क्या क्या बात कर रही थी, उसके लड़खड़ाते कदमों को तो वो नोट ही नहीं कर पाई। उसे याद था उसने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिसे सुनकर उसे झटका लगे या वो बेहोश हो जाए। फिर ना जाने उसे क्या हुआ था। सनान साई का पागलपन देखकर वो ये अंदाजा तो लगा चुकी थी कि वो लड़की उसके लिए जरूरत से ज्यादा अहमियत रखती है, और वो खुद भी उसे साफ अल्फाज में बता चुका था कि वो जर्निश से मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसके पीछे यूं दीवानों की तरह परेशान हो जाएगा ये उसने हरगिज नहीं सोचा था। लेकिन जो भी था, सनान साई अब सिर्फ जर्निश का नहीं था, वो उसका भी शोहर था और वो भी उस पर मुकम्मल इख्तियारात रखती थी, और अब उसे अपना हक किस तरह से हासिल करना था ये वो सोच चुकी थी। अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो यहाँ तक तो आ चुकी थी, अब उसे आगे का सोचना था। यहाँ तक जो भी था उसने सोचा वही हुआ था, और आगे भी उसके लिए कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था। उसके लिए मुश्किल था सिर्फ इस हवेली में कदम रखना, अब आगे के मराहिल आसान थे। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बीवी को, वो ठीक तो है, वो यूं अचानक भी होश क्यों हो गई थी, मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर जैसे ही बाहर आया सनान बेताबी से उसके पास आकर सवाल करने लगा। जी हाँ मिस्टर शाह, आप उनसे मिल सकते हैं, वो अब ठीक है, मुबारक हो, आप फादर बनने वाले हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है इसलिए शायद वो कमजोरी महसूस कर रही थी, ऐसा हो जाता है, मैं आपको मेडिसिन लिख दूंगी, आप बाकायदगी से दीजिएगा, वो उसे खुशखबरी सुनाते हुए हदायत दे रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो उसे अपने साथ अस्पताल लेकर गया था, लेकिन तब डॉक्टर ने कहा था कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज उसे इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, जर्निश का बहुत ख्याल रखूंगा, मैं बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं होने दूंगा, वैसे मिल सकता हूँ? वो काफी बेचैन लग रहा था, और उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए डॉक्टर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जी आप जाएं उनसे मिल लें, तब तक मैं आपकी रिपोर्ट और डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा देती हूँ। वो मुस्कुराकर उसे इजाजत देती आगे बढ़ चुकी थी, जबकि सनान साई तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। वो बेड पर लेटी खामोशी से छत को देख रही थी जब नजर दरवाजे पर उठी। मुबारक हो, होने वाले बेबी के मामा साई, आखिर आ ही गई वो खुशखबरी जिसका हम 5 महीनों से इंतजार कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता उसके माथे पर लब रखकर मुबारकबाद देने लगा तो जर्निश मुस्कुराई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, होने वाले बाबा साई, वो शर्माते हुए सर झुकाकर बोली तो बेहद खूबसूरत सी चमक उसके चेहरे पर आ गई। सनान ने आहिस्ता से उसे थामकर अपने सीने में भेज दिया। जर्निश मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा,
हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। उसके चेहरे के नकोश को अपने लबों से छूते हुए वो अपनी खुशी उस पर जाहिर कर रहा था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक अनकही सी चुभन भी थी जिसका नाम मुस्कान था। वो मुस्कान को जल्द से जल्द अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करना चाहता था। अपनी खुशियों में उसका काला साया हरगिज नहीं चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ जर्नीश को कुछ भी वो बताना नहीं चाहता था। ये लम्हात उनकी खुशियों के थे जिनमें वो मुस्कान के नाम का गम शामिल नहीं कर सकता था। मैं जानती हूँ सुनार साईं, लेकिन आपके साथ साथ इस खुशखबरी का इंतजार हमारे घर वालों को भी था, तो चलिए अब वापस चलकर ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। अदा साईं और जाविश की शादी की खुशियों में इस खुशी ने मजीद रंग भर दिए हैं। क्या हुआ दारम साईं? सुनार साईं का फोन आया था। दनिश अब कैसी है? दारम साईं थोड़ी देर पहले फोन लेकर बाहर निकल गया था ताकि वो मेहमानों से जरा दूर होकर उनसे बात कर सके। दनिश की परेशानी सबको ही हो रही थी कि अचानक क्या हो गया उसे। उसका फोन आने पर जहां दारम परेशानी से कमरे से बाहर निकला था, वही चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट से जाए वापिस आया। प्यारी कीजिए बाबा साईं, सनान साईं और जरी थोड़ी ही देर में वापिस आ रहे हैं आपके खानदान की पहली खुशखबरी के साथ। उसने मुस्कुराते हुए मुनासिब अल्फाज में उन्हें खुशखबरी सुनाई तो वो भी मुस्कुरा कर उसे सीने से लगाते हुए मुबारकबाद देने लगे कि आखिर वो भी तो मामू साईं बनने वाला था। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत खबर सुनाई है तुमने, अल्लाह का लाख लाख करम है कि कहीं से तो कोई खबर मिली इस खानदान के वारिस की। अब तुम बताओ तुम कब तक खुशखबरी सुना रहे हो? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। उनकी बातें सुनते हुए सरमत शाह भी काफी मुतमईन और खुश लग रहे थे, लेकिन उनके अगले सवाल पर दारम साई के साथ उनके लब भी सुखड़ गए। उनकी बेटी जो इस खानदान में रहना ही नहीं चाहती थी, वो कहाँ उसे इस तरह की खुशी की उम्मीद करते। काश ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन उनकी बेटी तो हर उम्मीद तोड़ चुकी थी। बाबा साईं आप फिक्र ना करें, जल्द ही आपको दूसरी खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में पहले हमें इस खुशखबरी को एंजॉय कर लेना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए उन्हें मुतमईन करता फिर से कामों में मसरूफ हो गया, जबकि सरमत शाह उसके शुक्रगुजार थे कि अब तक उसने उनकी बेटी का पर्दा रखा हुआ था। घर में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। दुल्हन साहिबा माइयों का पर्दा भुलाए हुए लहंगे में सबको मिठाई खिलाने में मसरूफ थी। लड़की थोड़ी शर्म कर जाओ, अभी साहिर साई आने वाले होंगे और तुम कैसे मुंह फाड़ कर दरवाजे पर खड़ी हो, जाओ अंदर जाकर पर्दा करो, अम्मा साई ने सख्ती से कहा, जिस पर सारे मुस्कुरा दिए थे। जबकि ढोल बाजों के साथ जर्निश को घर में वेलकम किया जा रहा था, इस खानदान की पहली खुशखबरी थी जो सबके लिए बहुत अहमियत रखती थी। तो क्या हो गया अम्मा साई? साहिर साई भी मेरा दीदार कर लेंगे और मैं भी उन्हें देख लूंगी, वैसे भी दो दिन बाद हमारी शादी होगी और फिर तो हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखनी है। वो सना के पास खड़ी बहुत कम आवाज में बोली थी। उसकी आवाज में शरारत साफ झलक रही थी, जबकि उसके अंदाज पर सना भी मुस्कुरा दी। अगर तो उसकी बात ताई अम्मा साई के कानों में पड़ जाती तो अब तक एक जबरदस्त सी फ्लाइंग चप्पल उसको लग चुकी होती। अभी वो अपनी ही बातों में लगी हुई थी जब सामने से साहिर साई आता नजर आया। माशाल्लाह मेरा साई, उसके मुंह से बेख्तियार निकला था और उसकी इस बेख्तियारी पर सबने उसे बेख्तियार देखा था। वो इतनी बुलंद आवाज में बोली थी कि उसका ये लफ्ज सबने सुना था। सब उसे हैरानगी से देख रहे थे कि किसी को भी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद न थी। उसकी ख्वाहिश पर आज उसने वास्केट और गुस्सा पहन लिया था। साहिर साई खुद भी उसकी बेसाख्ता आवाज पर शर्मिंदा होकर रह गया, जबकि अपनी जुबान की इस खुजली पर उसने अपनी जुबान को दांतों तले दबा लिया था। मेरा मतलब ये है कि साहिर साई प्यारे नहीं लग रहे, बल्कि इनकी वास्केट बहुत प्यारी लग रही है। बल्कि नहीं, मेरा मतलब है गुस्सा प्यारा लग रहा है। उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए बहाना बनाने की कोशिश की थी, जबकि उसकी बौखलाहट पर पहले दारम का और फिर सनान का कहकहा बुलंद हुआ, जिसके साथ ही सबके चेहरों पर दबी मुस्कुराहट आ चुकी थी। साहिर तो शर्मिंदा हुआ ही था, लेकिन सबको हंसते देखकर वो भी ढीठों की तरह हंस दिया। आखिर उसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कमेंट किया था, कौन सा किसी के बंदे पर किया था। जर्निश की खुशी के साथ ही सारा घर दोबाला खुशी का लुत्फ उठा रहा था। मेहंदी की रस्म खूब धूमधाम से की गई। अपने बचगाना अंदाज की वजह से जाविश पर्दे का तकल्लुफ खत्म कर चुकी थी, इसलिए दोनों को साथ बिठाकर ही रस्म अदा की गई। उसके बिल्कुल करीब बैठी सजी संवरी जाविश उसका दिल बेतरतीब करने के लिए काफी थी। हर थोड़ी देर में वो कभी अपनी चूड़ियां खनखनाती तो कभी गुस्से में दबे नाजुक पैर को हरकत देते हुए पाजेब छनकाती अपनी जानी मुतवजा करती। उसकी हरकतों पर वो हर थोड़ी देर बाद मुस्कुरा देता था। उसकी ये मासूम सी शरारतें उसे आज से पहले कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थीं। वो इसकी तवज्जो चाहती थी, कितना खूबसूरत एहसास था। उसने आहिस्ता से अपना हाथ उसके सामने खोला तो साहिर ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को, जो अपने हाथों पर नजरें जमाए ना जाने उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं रात को आऊंगा अपना नाम तलाश करने, तो मैं ये भी बताऊंगा कि तुम आज कितनी प्यारी लग रही हो। ऐसा करना कि मेरे लिए तारीफ के अल्फाज जमा कर लेना। अगर सबके सामने तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकती हो तो फिर अकेले में तो मैं तुमसे मजीद अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। खैर ये सारी बातें रात के लिए रखते हैं।
रात को मैं आपसे नहीं मिल सकती, आपको पता है मेरे साथ सानिया सोती है। वो परेशानी से देखते हुए कहने लगी कि कहीं वो रात इसके कमरे में ही ना आ जाए। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा, ऐसा करना कि तुम मेरे रूम में आ जाना, वो शरारती नजरों से उसके हसीन सरापे को देखते हुए बोला। तो उसने फौरन नफी में सर हिलाया था। अरे दिमाग खराब हो गया है आपको अगर किसी ने देख लिया तो, वो पूरी आंखें खोले हैरत से पहले उसकी फरमाइश सुनती परेशानी से बोली, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसके करीब से उठता तायम्मा के पास जा रुका था। तायम्मा साईं, मुझे बहुत जरूरी काम है, रात को लेट आऊंगा, तो प्लीज मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिएगा। बल्कि नहीं, आप तो काफी थकी हुई हैं, ऐसा कीजिए जाविश को कहिएगा कुछ बना दे, बाकी जब मैं आऊंगा खुद ही देने के लिए कह दूंगा। वो अपनी बात खत्म करता तेजी से उनके सामने से हट गया था। कल शादी थी, इस तरह से मेहंदी की रात मिलना अजीब तो था, लेकिन ये तो घर की ही बात थी, और फिर कौन सा जाविश ये काम पहली बार करने वाली थी, इसलिए वो मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। लेकिन फिर उन्हें अपनी लाडली पर तरस भी आ रहा था, जो तकरीबन 2 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। चलो लड़कियों, जाविश को अंदर ले जाओ, और बेटा साई तुम भी चेंज करके थोड़ी देर आराम कर लो, साहिर साई बाहर गए हैं किसी जरूरी काम के लिए, रात को लेट आएंगे तो उन्हें खाना भी देना होगा। जाविश हैरानगी से अपनी अम्मा साई को देख रही थी, जो उसे इतनी मोहब्बत से मुखातिब कर रही थी, वरना वो कहाँ अपनी बेटी को इतने प्यार से बुलाती थी। लगता है बेटी पराई होने का ज्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत दुख उन्हें भी था। अम्मा साई, आप मेरी शादी की वजह से उदास हो रही हैं, प्लीज आप उदास मत हो, मैं कौन सा यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ, मैं तो हमेशा ही आपके सर पर मुसल्लत रहूंगी। वो पूरे दांत खोले उन्हें देखते हुए मुस्कुराई थी, जबकि उसका यूं दांत निकाल कर दुल्हन के रूप में हंसना अम्मा साई को हाथ जूते की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रहा था। जरी इसे लेकर जाओ यहाँ से, इससे पहले कि इसी रूप में ये मुझसे मार खा ले, अम्मा साई ने सख्ती से कहा, तो उसके दांत अपने आप बंद हो गए। मुझे पहले ही पता था आप लोग मुझे कचरे के ढेर से उठा कर लाए हैं, कोई प्यार नहीं करता मुझसे, मेरी रुखसती हो गई तब भी आप नहीं रोएंगी, कहेंगी अच्छा हुआ मुसीबत से जान छूटी। वो इमोशनल होने लगी थी, और उसकी इतनी इमोशनल तकरीर पर उन्होंने सख्ती से गणेश को देखा था, जो उसका हाथ थाम कर घसीटते हुए कमरे की जानिब ले गई, क्योंकि वो हरगिज नहीं चाहती थी कि वो इस मेहंदी के हसीन रूप में अम्मा साई के जूते का निशाना बने। वो किसी जरूरी काम के लिए नहीं गया था बल्कि, लेकिन फिर भी शहर की तरफ जाते हुए उसने जाविश के लिए गिफ्ट लेने का सोचा था, और फिर उसके साथ उसे एक और अहम काम याद आ गया जिसे निपटाने में उसे रात के 2 बज गए थे। उसने किचन में कदम रखा तो पीछे से उसे कदमों की आहट सुनाई दी, उसके लम्हों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। जब थोड़ी ही देर के बाद आवाज उसे अपने बेहद करीब सुनाई दी थी, उसका हाथ उसके गिर्द लपेटती वो उसकी पीठ पर अपना सर रख चुकी थी, उसके लब उसकी गर्दन को बेबाकी से चूम रहे थे। वो पीछे को झुका हुआ हैरानगी से जाविश का यह अंदाज महसूस कर रहा था। वो जाबी से इस हद तक बेतकल्लुफी की उम्मीद नहीं कर सकता था, अभी तकल्लुफ के पर्दे इतने भी ना गए थे, लेकिन फिर भी वो कोई गैर नहीं थी, उसकी महरम थी, उसका हर अंदाज उसे अच्छा लगता था। उसके हाथ को अपने हाथ में थामे हुए उसने बाहर से आती रोशनी में उसका हाथ देखा, लेकिन उसे झटका लगा था। वो हैरत से मुड़कर उसे देखने ही लगा कि वो अपना हाथ छुड़वाती किचन से बाहर भाग गई थी। कोई किचन से बाहर की जानिब निकला था जब अचानक सामने से जाविश इतनी जोर से उसे टकराई थी, उसके हाथ पांव मेहंदी से भरे हुए थे, उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी, जबकि सामने खड़ा साहिर साई कभी उसकी शर्मो हया से सुर्ख होता चेहरा देखता तो कभी बाहर की जानिब। क्या हुआ, आप बार बार दरवाजे को क्यों देख रहे हैं, मैं तो यहाँ हूँ, वो चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए बोली। तो साहिर ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो निगाह नीचे किए हुए उसे शर्माने में मसरूफ थी। थोड़ी देर पहले वाली बेबाक हरकतों को सोचकर उसने खुद पर लानत भेजी थी। सामने खड़ी यह लड़की ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, कहाँ इस तरह की हरकत करना। साहिर नफी में सर हिलाता पीछे की जानिब बढ़ रहा था, उसे यकीन था कि वो जो कोई भी होगी घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि दरवाजे सारे लॉक थे, ना तो इस तरह कोई अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। घर की किसी बच्ची पर वो इस तरह की हरकत का सोच भी नहीं सकता था, तो वो कौन हो सकती है ये वो आसानी से पता लगा सकता था, क्योंकि उस लड़की ने हाथ पर मेहंदी नहीं लगाई हुई थी, जबकि घर में फंक्शन आज भी हुआ था और सबके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। वो कौन हो सकती है, वो आसानी से पता कर सकता था, ये तो वो जानता था कि वो जो कोई भी है घर के अंदर की लड़की नहीं है। यकीनन इस तरह की बेहुदा हरकत किसी मुलाजमा ने नहीं की थी, और इस मुलाजमा की भी अकल वो सुबह टिकाने लगाने का इरादा रखता था, क्योंकि सामने खड़ी लड़की उसकी तवज्जा की ना तो सिर्फ मुंतजिर थी बल्कि मुकम्मल हकदार भी थी। अम्मा साई ने कहा था कि आप शादी के पकवान में से कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने रात को आपके लिए कबाब बनाए थे और मुझे कहा था कि मैं फ्राई करूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, आप यहाँ बैठे मैं अभी कर दूंगी गर्म वो फ्रिज मैं आप यहाँ बैठे मैं अभी कर दूंगी वो फ्रिज की जानिब भरते हुए अपनी ही धुन में बोल रही थी, जब अचानक साहिर ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी जानिब खींचा और उसके हाथ को अपनी आंखों के करीब ले जाकर उसकी मेहंदी की खुशबू को महसूस करने लगा। अचानक होने वाली अफ्तार पर वो घबरा ही गई।
साहिर साईं, उसने बड़ी मुश्किल से उसे पुकारा था। हाँ बोलो। उसके पुकारने पर वो उसका मासूम सा चेहरा देखने लगा। खाना बनाना है, उसने बेहद कम आवाज में कहा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें खाना खाने के लिए यहाँ बुलाता हूँ? वो उसे देखता दिलकश मुस्कुराहट लम्हों पर लिए पूछने लगा। तो फिर वो पूरी आंखें खोले हैरत से उसे देखते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी। तो फिर ये कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूँ, तुम्हारी मेहंदी की खुशबू को महसूस कर सकूँ, आज दिन में तुम कैसी लग रही थी वो तुम्हें बता सकूँ। उसके चेहरे की सुर्खी को देखते हुए वो बेसाख्ता उसके माथे पे अपने लब रख चुका था। उसकी बेख्तियार हरकत पर जाविश ने आहिस्ता से अपनी पलकें गिरा ली। जल्दी आओ, छत पर इंतजार कर रहा हूँ, वो पीछे हटते हुए कहने लगी तो उसने हैरानगी से देखा। छत पे क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। चलो वक्त जाया मत करो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, उसे आने का कहता खुद वहां से निकल गया था, जबकि वो नर्वस सी उसके पीछे पीछे कदम उठाने लगी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये नशई साईं छत पर क्यों लेकर जा रहा है, जबकि बात तो वो यहीं पर कर चुके थे, अब छत पर कौन सी बातें करनी थी। मुझे लगता है इसके पीछे मलिक का हाथ है, कोई तो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है, अंसर उसके साथ साथ चलता घर के अंदर दाखिल हुआ। दारम साईं अपने हाथ पर अच्छी खासी चोट लेकर वो घर वापिस आया था। गाँव की छोटी मोटी परेशानी हल करने के लिए वो रस्म के बाद अंसर के साथ गाँव की तरफ निकल आया था, और फिर उसके एक बहुत ही जिगरी दोस्त का जनाजा भी था, उसके लिए वो खास हुआ करता था। वो आज सुबह एक्सीडेंट में मारा गया था, उसकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी थी, लेकिन दारम साईं को उसकी मौत का अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि धोखेबाजों के लिए वो अफसोस नहीं करता था, वो भी एक धोखेबाज था, ना जाने कितने वक्त से दोस्त के रूप में दुश्मनों का काम सर अंजाम दे रहा था। लेकिन वो जैसे ही वहां से निकला, उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी और वो जानता था ऐसा जानबूझकर किया गया है, इसीलिए ये सब काफी आसानी से हैंडल कर लिया था। गाड़ी की ब्रेक जानबूझकर फेल की गई थी, किसी का इरादा उसकी जान उसे जानी नुकसान पहुंचाने का था। अंसर को मलिक पर शक था, जबकि मलिक की हालत को देखने के बाद उसे ऐसा नहीं लग रहा था। वो मलिक से बेखबर नहीं था, वो कब कहाँ क्या कर रहा है सब कुछ उसके जेरे नजर था। मुल्क की हालत इन दिनों काफी खराब थी, वो सच में अपने बेटे के दुख में था। इस तरह का हमला करना मलिक के बस की बात नहीं थी, और वैसे भी मलिक की हालत इन दिनों काफी खराब थी, वो सच में अपने बेटे के दुख में था। इस तरह का हमला करना मलिक के बस की बात नहीं थी, और वैसे भी दारम के इन दिनों इतने दुश्मन थे कि कोई भी कहीं से भी मौके का फायदा उठा सकता था, इसीलिए वो अगले वार का इंतजार कर रहा था। तुम फिक्र मत करो उनसे, अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ आराम करो, मैं भी जा रहा हूँ, आराम करूंगा कुछ देर, फिर कल साहिर साईं की बारात है तो उसकी भी तैयारी करनी है, बहुत काम है, तुम भी जल्दी आ जाना। और इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि घर में कोई भी परेशान हो, वो उसे समझाते हुए बोला। लेकिन साईं आपका जख्म, वो परेशान हुआ। अंसर तुम मेरी बीवी ना बना करो, मेरे पास बीवी है मेरा ख्याल रखने के लिए, वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोला था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेशक साईं, अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, मैं सुबह जल्दी आने की कोशिश करूंगा, आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर मेरी जरूरत महसूस हो तो फोन कर दीजिएगा, वो उसे कहता हवेली से बाहर की जानिब निकल गया। जबकि अपने कमरे की तरफ जाता दारम साईं खुद भी उसी सोच में गुम था कि आखिर कौन था जिसने उस पर यह हमला करवाया। वो जो कोई भी था उसका मकसद उसे जानी नुकसान पहुंचाना हरगिज नहीं था, वो शायद सिर्फ उसे डराना चाहता था। जाविश बिल्कुल खामोशी से उसके साथ आती नर्वस सी छत पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि वो साहिर से क्या बात करे, जबकि साहिर भी खामोशी से उसके साथ बैठा उसके हाथों को अपने हाथों में लिए उसके हाथों के नक्शों निगार देख रहा था। उसने जानबूझकर साहिर का नाम इतने छोटे अल्फाज में लिखवाया था कि वो आसानी से ना ढूंढ सके, बल्कि ढूंढते हुए बहुत सारा वक्त लगे, लेकिन अब अपने हाथों को उसके हाथों में कैद देखकर वो बेहद नर्वस थी। उसने सोचा था उसे मजा आएगा जब साहिर साईं अपना नाम उसके हाथ में तलाश करेगा, लेकिन उसे शर्म आ रही थी, वो निगाहें तक नहीं उठा पा रही थी, जबकि साहिर साईं पूरी तरह उसके हाथों के डिजाइन में मगन था। और फिर वो अपनी तलाश में कामयाब हो ही गया, अपना नाम उसकी हथेली के बीचों बीच देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने आहिस्ता से झुककर उसके हाथ की हथेली पर अपने लब रख दिए, जबकि उसकी हरकत पर जाविश के हाथों में लर्जिश पैदा हुई थी। ये रहा मेरा नाम, सच में ये काफी मुश्किल काम है, मुझे लगा था आसान होगा, जरनीश ने तो मुझे डरा ही दिया था कि अगर नाम नहीं ढूंढ पाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था, यानी कि उसकी इतनी मेहनत से नाम ढूंढने के पीछे जरनीश का हाथ था। जरनीश अदी ने आपको ये बताया? वो हैरत से उसे देखते हुए पूछने लगी। हाँ, उसी ने बताया था कि तुमने मेरा नाम अपने हाथ की हथेली पर लिखा है, जिसे ढूंढने में मुझे वेडिंग नाइट में अच्छा खासा वक्त लगेगा, और मैं इस बेकार काम में अपनी खूबसूरत रात का वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। इतना भी वक्त नहीं लगता, उसने जितलाकर कहा था, वाकई उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा था अपना नाम ढूंढने में। हाँ ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी वेडिंग नाइट का एक सेकंड भी किसी फजूल काम में नहीं लगने दूंगा,
मैं ये सारे फजूल काम पहले पहले निपटाना चाहता हूँ। कल की रात मैं सिर्फ अपना नशा पूरा करूंगा। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था, जबकि उसकी ये जो मायनी बात का मतलब समझकर साविश के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। मेरा ख्याल है बहुत वक्त हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालते उठकर खड़ी हो गई तो साहिर साईं भी उठकर खड़ा हो गया। हाँ सही बात है, सो जाओ आराम करो, कल रात वैसे भी नींद हराम होने वाली है, क्योंकि कल रात तो खैर बताने का क्या फायदा, कल की कल देखी जाएगी। वो अधूरी बात करता सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो साविश भी जल्दी से उसके पीछे हुई। उसने कमरे में कदम रखा तो दर बेड की क्राउन से टेक लगाए नींद में थी। उसने अभी तक अपना लिबास चेंज नहीं किया था, हाँ लेकिन मुंह हाथ धोकर बैठी हुई थी। धर्म साईं को अपनी ही बात याद आई, उसने ही जाते हुए कहा था कि चेंज मत करना, तो क्या वो इतनी फरमा बरदार थी कि उसकी बात मान जाती। यकीनन उसे तेजाब वाली धमकी काफी जोर से लगी थी। वह मुस्कुराता हुआ शावर लेने का इरादा कर रहा था, लेकिन जख्म अभी ताजा था इसलिए शावर लेने का इरादा तर्क कर दिया। वो साहिर साईं की शादी में अपने लिए मजीद कोई मसला नहीं चाहता था, और ना ही वो खुद पर हुए हमले के बारे में किसी को कुछ भी बताना चाहता था। घर में इतना खूबसूरत माहौल वो खराब नहीं करना चाहता था, और ना किसी को परेशान करना चाहता था। वो आईने के सामने रुककर एक नज़र अपने जख्म को देखता जायजा लेने लगा। काफी गहरा जख्म था, गाड़ी बुरी तरह से दरख्त से टकराई थी जिसकी वजह से गाड़ी का सामने वाला शीशा टूट कर उसके बाजू पर लगा था। अपनी शर्ट अपने जिस्म से अलग करते हुए उसने दूर फेंकी और फिर बेड की तरफ आता बेड पर लेट कर एक पुरसकून सांस ली। वो अपना जख्म नजरअंदाज करता अंदर की जानिब देखने लगा। इस वक्त दर बहुत प्यारी लग रही थी, वो पूरी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। दर जो उसके साथ कर रही थी उस पर यकीन करना काफी मुश्किल था। वो बहुत अच्छी अदाकारा थी, उसने बहुत अच्छे तरीके से साबित किया था कि वो उससे मुहब्बत करती है। पिछले 5 महीनों में उसने खुद पर शक नहीं होने दिया था, लेकिन ये सब कुछ सहकर भी दारम उसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। वो उसे इतनी मुहब्बत करता था कि उसके बगैर रहना उसके लिए नामुमकिन था। क्या हुआ अगर वो उससे मुहब्बत नहीं करती? 5 महीनों से तो उसकी ज़िंदगी बेहद हसीन थी, और उसे यकीन है उसने दर के साथ ना तो किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी की है और ना ही उसके हक में कुछ बुरा किया है। अगर वो उससे मुहब्बत नहीं कर सकती तो समझौता कर ले, लेकिन तलाक तलाक नामुमकिन थी। वो क्यामत तक उसके साथ ये रिश्ता निभाने वाला था। एक तो चाचू साईं ने उसके सामने हाथ जोड़े थे, और अगर ऐसा ना भी करते तो भी वो दर को छोड़ नहीं सकता था। दर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसे तकलीफ हुई थी, पहली बार वो इस तरह की किसी अजियत से गुजरा था। लेकिन वो इस अजियत से नूर को गुजरने नहीं दे सकता था। वो जानता था कि जब वो उसे तलाक लेकर जाएगी तो आगे उसकी कोई जिंदगी नहीं है। जिस दौलत का वो रोना रो रही है वो सब कुछ तो दारम साईं के नाम था, जो तब तक दर को नहीं मिल सकता था जब तक दारम ना चाहे। अगर वो उसे दे देता तो भी क्या, उसकी माँ उसके पास कुछ रहने देती? दर ना तो इतनी पढ़ी लिखी थी और ना ही बिजनेस की दुनिया को समझती थी। वो क्या सोचकर ये सब कुछ कर रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। 19 साल की लड़की में इतनी बड़ी साजिश करने की हिम्मत नहीं थी, और ना ही दर का दिमाग इतना काम करता था। उसे इन सब चीज़ों के लिए पीछे से उकसाया जा रहा था, और यकीनन उसे ये चाबी समराही दे रही थी। वो औरत ना तो खुद अपना घर बसा पाई और ना ही वो अपनी बेटी को बसने देगी, ये बात वो अब से नहीं बल्कि पिछले 5 माह से पहले ही जान गया था। और ये उसकी गलत फहमी थी कि वो दर को उसे तलाक दिलवा कर अपना मकसद पूरा कर पाएगी। कमरे की लाइट ऑफ करते हुए वो आहिस्ता से उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भरता, उसके सर को अपने सीने से लगाता आंखें बंद कर गया था। इस दौरान उसने जरा सा किसमिसाकर आंखें खोली और साथ ही उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। वो यकीनन नींद में थी। उसकी मुजाहमत पर दारम ने गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या मसला है? उसका हरकत करता हाथ रुक गया, वो बंद आंखों से उसके सीने पर सर रखे दोबारा सो गई तो दारम साई ने मुस्कुराते हुए उसे मजीद करीब कर लिया। उसका होना दारम का सुकून था, जबकि उसके सीने पर सर रखकर सोती थी उसे सुकून मिलता था। उसकी मौजूदगी का एहसास उसके लिए कितना खास था कि वो जान जाती तो खुद पर फख्र करती, लेकिन उसे वो फिलहाल कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि अब वो पहले उसकी अकल ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, जो उसे यकीन था जल्द ही लग जाएगी, क्योंकि जो भी था उसे पता था उसकी दरे दारम दिल की बुरी नहीं है। उसके हाथ मेहंदी से भरे हुए थे, उसे सनान साईं के कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा दिया गया था, हाँ लेकिन दारम के हुक्म के मुताबिक सनान ने एक बार भी उसके कमरे में झांक कर नहीं देखा था, जबकि दारम साईं ने कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगा। ख्याल रखना तो दूर, दिन में एक नज़र उसे देखकर ही वो चेहरा फेर गया। मुस्कान को बहुत गुस्सा आया था, वो उसके लिए यहाँ तक आई, इतनी साजिशें की, इतनी प्लानिंग की, और वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था, यहाँ तक कि उसे देखना तक अपनी तोहीन समझता था। और ऊपर से जर्निश प्रेग्नेंट हो गई थी, इस बात ने तो उसे आग लगा दी थी, उसके यहाँ आने का मकसद पूरा हो या ना हो, लेकिन सनान और जर्निश को खुश देखकर उसके अंदर जलन भर जाती थी। यहाँ आने के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी, सनान जर्निश से बहुत मुहब्बत करता है और इन दोनों को अलग करना आसान नहीं था। जर्निश ये भी जान चुकी थी कि वो सनान के निकाह में है,
इसके बाद भी उसने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया था, लेकिन वो इतनी आसानी से ये सब कुछ खत्म तो नहीं होने दे सकती थी। जरनिश ने हंगामा तो करना ही था, अभी ना सही कुछ देर बाद सही। क्या याद करोगे सुनार साई, अपने भाई की शादी को एंजॉय कर लो, फिर देखना मैं क्या धमाका करती हूँ। वो अपने ख्यालों में सनान साई से मुखातिब मुस्कुराई थी। कैसे हो पार्टनर, तुमसे एक जरूरी काम है, दुश्मन घर के अंदर तक घुस आया है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पहुंच जाओ, इससे पहले कि वो कोई साजिश कर दे, हमें सब कुछ पहले ही हैंडल करना होगा। वो फोन कान से लगाए दाएं से बाएं घूम रहा था। आप फिक्र ना करें अदा साई, यहाँ मेरी थोड़ी मजबूरी है लेकिन मैं फिर भी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ से ये यकीन दिलाने वाली आवाज आई तो वो अलविदाई कलमात कहता फोन रख चुका था। उसकी हर चीज पर नजर थी, वो बहुत जीरक निगाह रखता था। उसके घर में क्या हो रहा था और क्या होने वाला था सब उसे समझ में आ चुका था। उसकी आंख खुली तो दारम उसके बेहद करीब उसे अपनी बाहों में कैद किए सो रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई दर को उसे छीन कर ले जाएगा। एक खौफ के जेरे असर वो उसे अपनी बाहों में दबोचे जैसे खुद से दूर करने की हर राह बंद किए हुए था। उसने दारम का हाथ खुद पर से हटाने की कोशिश की तो नजर बेख्तियार उसके बाजू पर गई, जहां सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। खून का निशान बाहर तक आ रहा था। या अल्लाह, ये क्या हुआ, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। उसकी बेख्तियारी पर दारम साईं ने नींद में जैसे आंखें खोलकर उसे देखा और फिर दिलकशी से मुस्कुराता आंखें बंद कर गया। ना तो वो उसकी मुस्कुराहट देख पाई थी और ना ही ये अंदाजा कर पाई थी कि वो सो रहा है या जाग रहा है। उसका सारा ध्यान उसके जख्म पर आ गया था। उसका बाजू जो एक दर की गर्दन के नीचे था, जबकि दूसरा जख्मी हाथ उसके कंधे पर जो उसको बुरी तरह अपनी तरफ मुतवजा कर गया था। उसे हुआ क्या था अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन जख्म काफी गहरा था जिसे देखकर वो बेचैन हो गई थी। उसने सोचा कि वो दारम से उस जख्म के बारे में पूछे, लेकिन फिर उस पागल आदमी का कोई भरोसा ना था। कहीं वो उसकी वजह पूछने को अपनी फिक्र करार देकर फिर से मोहब्बत मोहब्बत का रोना रोने लगे, जबकि दर की कंडीशन वैसी ही थी जैसे किसी जख्मी आदमी को देखकर एक आम इंसान की होती है। अपने सामने खून बहता या इतना बड़ा जख्म देखकर कोई भी इंसान उसकी वजह जानना चाहेगा, लेकिन दारम साई की सोच क्या थी वो नहीं जानती थी। वो फिलहाल ना तो उससे बहस करना चाहती थी और ना ही फजूल में उसके मुंह लगना चाहती थी। रात इतनी बड़ी धमकी देकर वो उसके मुंह पर तेजाब फेंक सकता है, वो चेंज ना करने का हुक्म सुना कर गया था। और वो जो रात 2 बजे तक उसका इंतजार करती रही, आखिर थक हार कर उसी लिबास में सो गई। और ये आदमी वापस आने के बाद उसे जगाने की बजाय खुद भी सो गया। उसे इतना ना हो सका कि सिर्फ उठकर उसे ये कह देता कि इस बे आराम लिबास को बदल लो। सारी रात उसे अपने ही कपड़े चुभते रहे, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी ना सकी। और इस वक्त उसकी हालत मजीद खराब हो रही थी। एक तो उसे इतने भारी काम वाले कपड़े पसंद नहीं थे और ऊपर से दारम साई ने उसे ना जगाकर रात उसकी नींद का मजीद भेड़ा कर किया था। दारम साई, हाथ हटाएं अपने, मुझे उठाना है, उसका बाजू मुझे उठना है, उसका बाजू हिलाते हुए बोली। उसने एहतियात की थी कि उसके हाथ को तकलीफ ना हो, पहले ही उसके बाजू पर अच्छा खासा बड़ा जख्म था, लेकिन वो तो टस से मस ना हुआ। वो एक बार फिर से उसे देख के आहिस्ता से उसका बाजू हिलाने लगी। दारम साई, हाथ हटाएं अपने मेरे ऊपर से ताकि मैं यहाँ से उठ सकूं, मुझे बाहर जाना है, ये कपड़े चेंज करने हैं, आपकी वजह से मैं रात कपड़े चेंज किए बिना सो गई थी, वो उसे एहसास दिलाते हुए बोली। तो दारम ने एहसान करने वाले अंदाज में आंखें खोलकर उसे देखा। मुझ पर एहसान किया है कपड़े ना चेंज करके, क्यों मेरी नींद बर्बाद कर रही हो तुम, सो जाओ आराम से और मुझे भी सोने दो, अब मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। वो जरा सा उसके मजीद करीब होता उसकी गर्दन में अपना सर छुपाता एक बार फिर से आंखें बंद कर गया था। उसका इतने करीब आकर उसे मजीद खुद में कैद करते हुए इस तरह बेबाकी से उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए अपने लबों को उसकी गर्दन से छूना दर के जिस्म में सनसनाहट पैदा कर गया था। दारम साई, क्या हरकत है, पीछे हटें, उसने घबराते हुए कहा। उस रात के बाद दारम साई पहली बार उसके इतने करीब आया था। उसकी बात सुनने के बाद दारम ने नागवार नजरों से सर उठाकर उसे देखा। क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना, वो बेहद गुस्से से घूरते हुए बोला तो दर की जुबान जैसे तालू से जा चिपकी। वो मुझे बाहर जाना है, वो मिन मिनाई थी तो दारम ने आईब्रो झुकाकर पूछा। आज बारात है, मुझे बाहर जाना चाहिए, वो बेहद कम आवाज में बोल रही थी। दारम का अंदाज उसके पसीने छुड़वा चुका था। बाहर जाकर कौन सा तीर मारना है तुमने, खैर बारात 1 बजे घर से निकलेगी और मेरे ख्याल में इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, घर के तमाम लोग कल की रस्म के बाद काफी ज्यादा थके हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि घर के बड़ों के अलावा कोई भी इस वक्त जाकर कोई काम कर रहा होगा। तुम भी आराम से पड़ी रहो, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से उठ नहीं सकती, वो हुक्म सुनाते हुए एक बार फिर से उसकी गर्दन में अपने लब रख चुका था। और दर बिल्कुल खामोशी से उसके लबों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, कौन सा वो पहली बार उसके इतने करीब आया था या पहली बार उसे इस तरह से छू रहा था।
उसकी शिद्दत से घबराते हुए दर ने बेख्तियार अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था, जबकि उसके प्यार की इस बरसात को वो खुद भी महसूस करते हुए बेख्तियार उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। दारम के लम्हों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। वो मजीद दर को अपने बाजुओं में कैद करते हुए मुकम्मल तौर पर उसके होशरुबा सरापे में होता चला जा रहा था, जब मोबाइल की रिंगटोन ने उसके काम में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। यार क्या मसला है? उसकी बेख्तियारी और जसारतें खत्म ना हुई तो मोबाइल रिंगटोन को बार बार बजते देखकर दर ने आहिस्ता से उसका कंधा हिलाया था, जिस पर वह झिझलाकर उसे घूरते हुए बेहद गुस्से से बोला। उसको यूं गुस्सा होते देख दर ने फौरन नामे सर हिलाया था। न जाने क्यों उसे खुद दारम को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा था। जब मैं चला जाऊंगा तब दिल भर के अपनी माँ से बात करती रहना, लेकिन जो मेरा वक्त है वो मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। उन्हें भी बता देना और तुम भी अपने दिमाग में डाल लो। तुम्हारे बाप से तुम्हारी कौन सी डील हुई थी? ना तो इसका पहले मुझसे कोई वास्ता था और ना ही आगे कभी होगा। आई मेरी बात समझ में? वो उसके बाजू पर जोर डालते हुए बोला तो दर कोई जवाब ना दे पाई, जबकि दारम एक बार फिर से उसके गर्दन पर झुकते हुए अपने हकूक वसूल करने में मसरूफ हो चुका था। उसे सच में कोई मतलब नहीं था। क्या उसे फर्क नहीं पड़ा था उसकी बातों से, उसके झुटलाने से, उसे दुकारने से, उसे धोखा देने से? क्या ये सारी चीजें उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखती थी? वो हैरानगी से उसे देखते हुए सोच रही थी, जबकि दारम सही अपने ही आप में मसरूफ था। उसकी सोचों से उसका कोई लेना देना नहीं था। इस वक्त उसे किसी चीज से मतलब था तो सिर्फ उसकी तलब थी, जो सिर्फ उसकी बीवी ही पूरी कर सकती थी। माशाल्लाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। हम ना चाची साईं, जल्दी से मुझे नजर का टीका लगाएं, पता नहीं कितनी काली नजरों वाली बाहर बैठी होंगी, कहीं मुझे नजर ही ना लगा दें। वो हमना बेगम को अंदर दाखिल होते देखकर कहने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी और साहिर साईं के पसंद करदा सुर्ख लहंगे में उसके हुसन को चार चांद लग गए थे। साहिर साईं को बस ये पता था कि उसकी दुल्हन सुर्ख रंग का लहंगा पहनेगी, इसलिए कुछ दिन पहले जब वो घर की खवातीन को शॉपिंग पर अपने साथ लेकर गया तो उसने खुद ही वो लहंगा पसंद करते हुए बड़ी बेगम से कहा था कि इसे ले लेते हैं। उसने ज्यादा कोई बात नहीं की थी, बस जरीन बेगम ने उसकी पसंद पर हाँ में सर हिला दिया और मुस्कुराकर उसी लहंगे को खरीद लिया। और इस वक्त सुर्ख लहंगे में सर से पैर तक सजी, आसमान से उतरी हुई वो कोई हूर लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जरीन बेगम उसे देखते हुए कहकर गई थी कि हमना को बुलाकर कहो कि उसे नजर का टीका लगाए। बाहर ना जाने कितनी काली नजर वाली औरतें बैठी होंगी जो उनकी बच्ची को नजर लगाएंगी। वैसे तो उनकी बात बहुत नॉर्मल थी, जो अक्सर ही बड़ी उम्र की औरतें कहा करती थीं, लेकिन उसे सच में डर लगने लगा था। ये ना हो कि उसे नजर लग जाए और साहिर साईं के देखने से पहले वो दुल्हन की बजाय मासी लगने लग जाए, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। इसलिए हमना ने जैसे ही कमरे में कदम रखा उसने फौरन हमना से कहा था कि वो उसे नजर का टीका लगा दें, और जितनी खूबसूरत वो इस वक्त लग रही है ऐसी ही वो उस वक्त लगे जब साहिर साईं उसे देखे। हाँ उसे कोई मतलब नहीं था कि वो कितनी प्यारी लगेगी, बस उसे अपने साहिर साईं के सामने खूबसूरत दिखना था। वो चाहती थी कि वह साहिर के सामने खूबसूरत लगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तो था ही प्यारा, सिर्फ कपड़े बदल लेता था तो भी शानदार लगता था। प्यारी तो वो भी बहुत थी, लेकिन साहिर साईं को वो बहुत ज्यादा प्यारी लगना चाहती थी। वह तारीफ करता था या नहीं करता था उसे नहीं पता था, लेकिन वो चाहती थी कि साहिर साईं उसकी तारीफ करे और बहुत करे, और तारीफ के लिए उसका प्यारा लगना भी जरूरी था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसे किसी की भी नजर लगे। बारात घर से निकलने वाली थी और तमाम मर्द हजरात बारात में शामिल होने वाले थे, जबकि औरतें दुल्हन वालों के साथ थीं, इसलिए वो घर पर ही मौजूद बारात का इस्तकबाल करने की तैयारियों में मगन हो गई थीं। निकाह का सारा इंतजाम हो चुका था, थोड़ी ही देर में बारात ने आ जाना था और उसके साथ ही सना का निकाह होना था। कहने को तो सना का सिर्फ निकाह था, लेकिन फिर भी उसे दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। आखिर निकाह कोई आम बात तो हरगिज ना थी। पीच कलर की भारी मैक्सी में दुल्हन की तरह तैयार वो बेहद हसीन लग रही थी। खूबसूरत तो वैसे भी बहुत थी, लेकिन आज उसका हुसन बहुत निखर कर सामने आया था और कुछ कॉलर वाली के माहिर हाथों ने उसके हुसन में चार चांद लगा दिए थे। वो दोनों दुल्हनें इस वक्त एक ही कमरे में बैठी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का सोच रही थीं, जहां जाविश बार बार खिड़की पर जाकर अपनी बारात का इंतजार करती थी, वहीं सना उसकी बेकरारी पर मुस्कुराई जा रही थी। लड़की तुम क्यों ताइयम्मा साईं के हाथों इस दुल्हन के रूप में जूते से मार खाना चाहती हो? आराम से बैठ जाओ, अगर किसी ने तुम्हारी ये बेकरारी देख ली ना तो बहुत मजाक उड़ाएंगे, उसे चौथी बार खिड़की की तरफ जाता देखकर सना उसे टोकते हुए बोली। मैं साहिर साईं को देखना चाहती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं दुल्हा बनकर, पता तो चले उन्होंने भी फेशियल करवाया है या नहीं। करवाया? वैसे मैंने सुना है कि दुल्हे का भी पूरा मेकअप किया जाता है, आपको पता है? वो वापिस आकर उसे नई खबर सुनाने लगी तो सना ने बेख्तियार अपने हाथ अपने माथे पर मारा था। नहीं मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, और अगर तुम्हारे दुल्हे ने मेकअप करवाया हो तो वह तुम देख लेना, खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा, वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली।
ओहो अदी, आप तो आदम बेजार हैं, क्या हो गया है आपको? दुल्हन के रूप में इस तरह से मुंह बनाकर नहीं बैठा जाता, रूप खराब हो जाता है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना हुसन बचा कर रखें। वैसे आप अपना हुसन किसके लिए बचा कर रखेंगी? आपका दुल्हा तो सात समंदर पार बैठा है। हाय काश फूफा साई की तबीयत ठीक हो जाती तो वो भी आते, कितना मजा आता। आपकी शादी हो रही होती, साथ वो कहते हुए मायूसी से बोली तो सना मुस्कुरा दी। अच्छा ही हुआ जो वो लोग नहीं आए, क्योंकि अगर वो लोग आते तो मैं तुम्हारी शादी किस तरह से एंजॉय करती और तुम भी मेरी शादी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाती। वो उसे इस बात का फायदा बनाने लगी तो जाविश ने हाँ में सर हिलाया। वो ठीक कह रही थी, अगर उसकी शादी उसके साथ होती तो यकीनन एंजॉय ना कर पाती, क्योंकि उसे कमरे से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा था। अभी वो दोनों बातों में ही मसरूफ थी कि बाहर बारात आ जाने का शोर हुआ। लड़कियां रस्म करके अंदर दाखिल हुई ताकि उन्हें पकड़कर बाहर ले जा सकें। ओए मेरे दूल्हे को ज्यादा लूटा तो नहीं? गर्निश ने जैसे ही अंदर कदम रखा उसने पहला सवाल यही पूछा था। नहीं ज्यादा नहीं लूटा, इतना ही लूटा है जितना तुमने मेरे दूल्हे को लूटा था। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आई तो जाविश ने मायूसी से देखा। अरे मुंह मत बनाओ जावी, बड़ा ही शरीफ दूल्हा है तुम्हारा, जितने पैसे मांगे उन्होंने निकाल कर दे दिए, ना कोई बहस ना कोई तकरार, जेब भर कर आया था। हमने किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं किया, बस हमने मांगे उन्होंने दिए, बात खत्म। गर्निश ने उसकी अफसुरदा शक्ल देखते हुए कहा। उन्हें सच में साहिल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, वो सच में उनके लिए जरूर से ज्यादा ही शरीफ और मासूम साबित हुआ था। शायद वो किसी किस्म की बहस में पड़ना ही नहीं चाहता था। चलो बाहर चलो, बाहर चल के एक और रस्म भी करनी है, उसके भी पैसे मिलने हैं, सानिया उसे पकड़ते हुए बोली तो जाविश ने उसे घूर कर देखा। वो तो सचमुच में उसके दूल्हे को लूटने वाला काम कर रहे थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। साहिर ये क्या कर रहे हो? दुल्हन बनके इस तरह से सिगरेट नोशी कौन करता है? दुल्हा बनके लिखना होगा। दुल्हा बनके इस तरह से सिगरेट नोशी कौन करता है? अब एक साइड पर खड़ा सिगरेट पीने में मसरूफ था जब सनान उसके कान में बोला। कहाँ पर बोर्ड लगा है कि दुल्हा बनकर मैं सिगरेट नहीं पी सकता? वो आगे पीछे दीवारों की तरफ देखते हुए उसे पूछने लगा तो सनान ने भी उसके साथ ही आगे पीछे देखा। कहीं सच में तो कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ? नहीं बोर्ड तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी इंसान को खुद ही ये एहतियात करनी चाहिए। दुल्हा बनके सिगरेट पे सिगरेट फूंकी जा रहे हो, सच में दुल्हा नहीं नशेई लग रहे हो? वो उसे समझाते हुए जरा सख्त लहजे में बोला। अगर इतना ही नशेई लग रहा हूँ तो मेरे साथ मत रुको, लेकिन मुझे आराम से पीने दो, वो सिगरेट की जानिब इशारा करते हुए बोला। जैसे सिगरेट सिगरेट ना हो बल्कि उसकी कोई बेहद जरूरी चीज हो जिसमें वो किसी भी किस्म का आर्गुमेंट बर्दाश्त ना कर सकता हो। और सच भी तो यही था कि वो सिगरेट के मामले में किसी भी तरह की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और सनान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए बिल्कुल खामोश होकर एक साइड हो गया। उसे परवाह ना थी कि उसके सिगरेट पीने से किसको कितना मसला होता है। अगर किसी को इतनी ही तकलीफ है उसके सिगरेट पीने से तो खुद ही उससे थोड़ा अलग होकर खड़ा हो जाए, उसे कोई मसला नहीं था। लेकिन कोई उस पर कमेंट करे उसको बर्दाश्त नहीं था, फिर वो उसका बाप ही क्यों ना हो। लड़कियां अपना सा मुंह लेकर खड़ी हो गई थी जबकि साहिर साई को जाविश के साथ बैठने पर उन लोगों ने 50,000 रुपए की डिमांड की और साहिर साई ने बिना किसी भी चूं चुरा के पैसे उनके हवाले करके एक साइड होने का इशारा कर दिया। उनकी हालत देखकर जाविश को बड़ी हंसी आई थी, क्योंकि वो तो अंदर बड़ी प्लानिंग करके आई थी कि साहिर को बहुत तंग करेंगी, और यहाँ साहिर साई ने तंग होने से पहले ही पैसे उनके मुंह पर दे मारे। ना कोई बहस ना कोई तकरार, वो खामोशी से एक तरफ हो गई, जबकि उसके साथ बैठा वो बिल्कुल खामोशी से सामने देख रहा था। अपने साथ बैठी उस परी पैकर ने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। अच्छा ही था वो अपनी दुल्हन को हर किसी की नजर में आने भी नहीं देना चाहता था, वो खुद ही उसका घूंघट हटाकर उसके हुसन को देखना चाहता था। ये तुम क्या कर रही हो सायरा? बाहर मौलवी साहब बैठे हैं, सना को बिठा दिया गया है और आरिश साई का कहीं कोई अता पता नहीं है, ऐसा तो नहीं चल सकता, तुम्हें इसके बारे में पता करना होगा। बाबा साई बेहद परेशान हो गए थे, वो मुसलसल सायरा को फोन कर रहे थे और अब सायरा ने उन्हें बताया था कि आरिश परसों से ही घर से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। जाते हुए उसने बस इतना ही बताया था कि वो निकाह के वक्त घर वापिस आ जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया और ना ही उसका फोन लग रहा है। बाहर मेहमान जमा थे, सबको ही पता था कि आज फोन पर सना का निकाह होने जा रहा है। कुछ मजबूरियों की वजह से वो लोग पाकिस्तान नहीं आ सके, लेकिन कुछ माह बाद रुखसती पर आएंगे जिसमें उनकी शादी की तमाम रस्में की जाएंगी। लेकिन अब वो बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि आरिश कहाँ गया था किसी को पता नहीं था। वो फोन बंद करते हुए परेशानी से अंदर ही बैठ गए जब अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाबा साई जल्दी बाहर आए, आरिश साई आ गया है। सनान की मुस्कुराती आवाज उनके कानों में पड़ी तो जैसे उन्होंने बेख्तियार पुरसकून सांस ली। सारी टेंशन लम्हे में दूर हुई थी जब बाहर निकलते हुए उन्होंने आरिश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके सीने से लगा था। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी, आज से सना उसकी थी, उसकी बचपन की मोहब्बत उसे मिल चुकी थी जिसे देखते ही वो ना जाने कैसे उस पर फिदा था।
उसे अपना दिल दे बैठा था, लेकिन वो शायद ऐसा नहीं चाहती थी, तभी तो उसे उसकी मोहब्बत समेत ठुकरा दिया। लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वालों की जीत होती है, आज वो उसकी हो चुकी थी। वो खुश था, बेहद खुश। सना भी बेहद पुरसकून आरिश के साथ बैठी हुई थी। उसे उम्मीद ना थी कि अपने निकाह वाले रोज वो यहाँ आ जाएगा। ना जाने कैसे वो उसके दिल की ख्वाहिश जान गया था। उसे कैसे पता चला था कि सना ऐसा चाहती है कि उन दोनों का निकाह आमने सामने बैठकर किया जाए। फोन पर किए जाने वाले निकाह में वो मजा तो ना था जो आमने सामने बैठकर होने वाले निकाह में था। वो उसके साथ बैठा था। वो कुछ ही देर पहले ही उसे अपने निकाह में ले चुका था। लाइव वीडियो कॉल पर उसके वालदैन भी निकाह में शामिल थे। निकाह के बाद उन दोनों को एक साथ बिठा दिया गया, जबकि उन दोनों को अकेले बात करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला था। उसे याद था कुछ साल पहले वो उसकी मोहब्बत के सामने हार कर हमेशा के लिए वापस चला गया था, और कहां वो उसे पाने के लिए आज सात समंदर पार से वापस आ गया था। परसों रात उसका फोन आया तो उसके बजाय सानिया ने उठा लिया था। उसने कहा कि आरिश अदासाइयाँ आपसे बात करना चाहते हैं, जिस पर उसने भी इतरा कर कह दिया, बातें भी फ़ोन पर होंगी, निकाह भी फ़ोन पर होगा, क्या फ़ायदा ऐसी शादी का जिसमें ख्वाहिशात ही पूरी ना हो। निकाह तो वो होता है जिसमें दुल्हा सामने बैठा हो और दुल्हन को जालीदार पर्दे से देखते हुए निकाह कबूल करे। और ना जाने कैसे ये बात आरिश के कानों में पड़ गई, या शायद उसे सानिया ने ही उसकी ख्वाहिश के बारे में बताया था। लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकाह से पहले पहले पाकिस्तान पहुँच आया था, और फिर उसका निकाह ऐसे ही हुआ था जैसे ख्वाहिश उसने की थी। वो जालीदार पर्दे के सामने बैठी निकाहनामे पर साइन कर चुकी थी, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए निकाहनामे पर साइन करता उसे हमेशा के लिए अपना बना चुका था। थोड़ी देर के बाद वो उसके करीब से उठकर मर्दों की तरफ चला गया, क्योंकि बार बार कोई ना कोई आ जाता, बात करने का मौका वैसे भी नहीं मिल रहा था। वो क्यों अपने जज्बात को मजीद भड़कने देता, जबकि मजीद थोड़ी देर के बाद जाविश की रुखसती की रस्म शुरू हो चुकी थी। नहीं अदासाई, हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, पहले आपको हमसे बहस करनी होगी। ये क्या बात हुई, ना कोई मस्ती ना कोई मजाक, हमने पैसे मांगे और आपने दे दिए, इस तरह से हम नहीं लेंगे, सना इनकार करते हुए बोली। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, पहले हमसे लड़ाई करें फिर देंगे आपको अंदर जाने की इजाज़त। दरनिश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि सानिया तो उसके साथ ही थी और दर खामोशी से खड़ी थी। तुम लोगों को पैसों से मतलब होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिना किसी बहस के तुम लोगों की मतलूबा रकम मिल रही है, और अब ये पैसे पकड़ो, रास्ता छोड़ो मेरा। वो सिगरेट हाथ में दबाए उन सबको घूरते हुए बोला। एक तो वो सख्त तबीयत था, और दूसरा गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पर सवार रहता था। ना तो उसने कभी किसी से ज्यादा मस्ती मजाक किया था, और ना ही कभी उनमें से किसी को ज्यादा गुस्से फ्री होने दिया था। यही वजह थी कि वो चाहती थी कि शादी में तो कम अज कम उसे खूब सारा तंग करे, लेकिन अब ऐसा भी मुमकिन नहीं लग रहा था। जरनिश को तो अपनी मासूम सी बहन पर तरस आ रहा था, कहाँ वो हर वक्त हंसने वाली और कहाँ ये संजीदा इंसान। लेकिन वो बेचारी कहाँ जानती थी कि ये संजीदा खड़ूस हर वक्त चेहरे पर गुस्सा से जाने वाला उसकी बहन के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। तुम लोगों को पैसे चाहिए या नहीं, वो नोटों की गड्डी उन लोगों को दिखाते हुए वापस जेब में डालने लगा तो सना ने फौरन उसके हाथ से छीन लिए। इस शख्स का कोई भरोसा ना था, वो जो पैसे हाथ आने वाले थे वो भी चले जाते, और वो कभी उसे मांगने का सोच भी ना पाती, इसीलिए पैसे लेना बेहतर था। चाहे अदासाई चाहिए, अदासाई क्यों नहीं चाहिए, हम तो मजाक कर रहे थे, सना ने कहा और साथ ही पैसे थाम लिए। पैसों के लिए ही तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्यों लड़की हो, आप अंदर जा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, वो सब बतीसी दिखाते हुए बोली। हाँ बिल्कुल आप अंदर जाएं, आप तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे खा जाएंगे हमें, मैं पूछती हूँ अपनी शादी पर इतना खड़ूसपन कौन दिखाता है, जरनिश ने बड़ी मायूसी से देखते हुए कहा। ये ऐसा ही है जरनिश डार्लिंग, किसी से हंसकर बात करना इनकी शान के खिलाफ है, इसलिए इसे ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, अपनी मतलूबा रकम पकड़ो और रास्ता छोड़ दो इस बेचारे का, और मेरे भाई तुम ये सिगरेट यहीं खत्म करके जाओ, अंदर दुल्हन के कमरे में फूलों की खुशबू है, तुम्हारे धुएं की खुशबू बाहर रहे तो बेहतर है, सलमान ने जरनिश को कहते हुए साहिर के कान में कहा, जो अब तक सिगरेट उंगलियों में दबाए हुए था। उसने कहा कुछ ना था, बस एक गहरा कश लेते हुए सिगरेट को वहीं जमीन पर फेंक कर जूते से मसला और अंदर चला गया। आपका कमरे में चलने का इरादा है या सारी रात यहीं खड़ी रहेंगी? अगर आप यहीं खड़ी रहें तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं भी यहीं आपके पास ही खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी बीवी यहाँ आपके साथ खड़ी थक जाए, तो बेहतर है कमरे में चलें, वरना मैं आपको अपनी बाहों में उठाकर भी ये काम कर सकता हूँ, वो आहिस्ता से उसके कान के करीब झुके हुए बोला। जरनिश ने एक नज़र सना और सानिया को देखा जो पैसे गिनने में मसरूफ हो चुकी थी, जबकि दर का सारा ध्यान सीढ़ियों की तरफ था जहाँ से दारम साई खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। एक नज़र उसे देखती वो मुस्कुरा कर उसके साथ अपने कमरे की जानब बढ़ गई, जबकि थोड़े फासले पर उसकी मुस्कुराहट मुस्कान का दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है अंसर, इस तरह घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, और वैसे भी घर के अंदर बहुत सारे मेहमान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चेकिंग बेहतर रहेगी,
अंसर के साथ कुछ गार्ड्स और पुलिस वाले थे। उनका कहना था कि हवेली के अंदर कुछ गड़बड़ होने वाली है। नहीं जनाब, हमें एक दफा चेक करने दीजिए, पहले भी आप पर जानलेवा हमला हुआ है। हमें शक है आपके घर के अंदर ही वो लोग छुपकर बैठे हुए हैं जो कोई भी किसी भी तरह का हमला करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये जरूर किसी दुश्मन का काम है और हमारी इन्फॉर्मेशन से जितना पता चला है इसके मुताबिक कोई शूटर है जो दिन पहले ही इंग्लैंड की जेल से छूटा है। आपके साथ उसकी क्या दुश्मनी है कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान आया है और लोगों का कहना है कि वो किसी को आपकी तस्वीर दिखाकर आपके बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। हमें शक है कि मलिक ने ही कोई गेम खेला है, आप पर जानलेवा हमला करने के पीछे मलिक का हाथ लगता है। हो सकता है कि वो ये जाहिर कर रहा हो कि वो खुद बीमार है और इस तरह साजिशें करके आप पे जानलेवा हमला करवाया हो। देखें साई, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आप हमारे गांव के सरदार हैं, हम नहीं चाहते कि आप पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए। साई, हमें हमारा काम करने दें, इंस्पेक्टर ने बहुत आजिजी से कहा। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम लोग अपना काम करो, लेकिन हवेली की चेकिंग नहीं होगी। इस वक्त घर मेहमानों से भरा हुआ है और मुझे मेरे खानदान की इज्जत बेहद अजीज है। तुम बाहर अपना काम करो, तुम लोग सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑफिसर्स को हवेली में ही छोड़ दो, बाकी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंदर मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। वो उसका कंधा थपथपाते हुए अंदर की जानी बढ़ गया जबकि ऑफिसर अपने काम पर लग चुका था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, दादी बनने वाली हो जरी अदी, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हारा घर खुशियों और रौनकों से भर दे। लेकिन क्या दारम साई की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं आई? 5 माह हो चुके हैं शादी को। मेरे ख्याल में दारम साई और सनान साई की शादी एक साथ हुई थी ना? सनान की तरफ से खुशखबरी मिली है, दारम साई की तरफ से कब मिलेगी? वो गांव का सरदार है, जब उसके बच्चे की बात सामने आएगी पूरे गांव में खुशियां और मिठाइयां बांटी जाएंगी। और दारम साई तो उम्र में भी सनान से बड़ा है, कब तक उसकी खुशखबरी आएगी? जब बड़ी बीबी बहू बाहर से लाई है इसीलिए अभी 5 साल तक कोई इरादा नहीं है। अब बहू बाहर के मुल्क की आई है, अपनी मर्जी भी चलाती होगी, लेकिन आप भी उसे समझाएं कि गांव वाले बेताब हैं। सरदार साई की औलाद की खुशखबरी के लिए वो औरत अपनी ही बोले जा रही थी जबकि वो बाकी सारी औरतें उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिला रही थी। थोड़ी देर पहले ही बड़ी बीबी ने नूर से सब मेहमानों के लिए चाय बनवाकर लाने के लिए कहा था। जब वो मुलाजमा से चाय बनवाकर लाई तो अंदर औरतें बातों में मसरूफ थीं। ये बात सुनकर उसका अपना अंदर जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाजमा को अंदर जाने के लिए कहा। हद है, इन लोगों की सोच बच्चों पर ही क्यों खत्म होती है? गर्नी शादी की तरफ से खुशखबरी मिली है तो इसको एंजॉय करें, मेरे पीछे क्यों लग गए हैं जाहिल औरतें? ना तो मुझे बच्चे से मतलब है और ना ही बच्चे के अब्बा से। बस 6 महीने पूरे होने हैं और मैं यहाँ से निकलूंगी। कहाँ फंस गई हूँ मैं? ठीक ही कहती थी मॉम, यहाँ सब लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़ लिख कर मोटी मोटी डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन सोच वही जाहिलों जैसी है। जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक औरत की कोई औकात नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। और वहीं बाहर खड़ी ऊंची आवाज में औरतों की सोच पर अफसोस कर रही थी जबकि दारम साई उसके बिल्कुल करीब उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। ये जो बूढ़ी औरतें हैं ना, इनकी जिंदगी इनकी औलाद और शोहर के आगे पीछे ही घूमती है। पढ़ लिख कर मोटी मोटी डिग्रियां हासिल करके ना तो वो अपनी रवायत भूलती हैं और ना ही अपना फर्ज। शादी की तरफ से खुशखबरी मिली है तो उसी को एंजॉय करें, मेरे पीछे क्यों लग गए हैं जाहिर औरतें? ना तो मुझे बच्चे से मतलब है और ना ही बच्चे के अब्बा से। बस 6 महीने पूरे हों और मैं यहाँ से निकलूं, कहाँ आकर फंस गई हूँ? ठीक ही कहती थी मॉम, यहाँ सब पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़ लिख कर मोटी मोटी डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन सोच वही जाहिलों जैसी है। जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक औरत की कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो वहीं बाहर खड़ी ऊंची आवाज में औरतों की सोच पर अफसोस कर रही थी जबकि दारम साई उसके बिल्कुल करीब उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। ये जो बूढ़ी औरतें हैं ना, इनकी जिंदगी इनकी औलाद और शोहर के आगे पीछे ही घूमती है। पढ़ लिख कर मोटी मोटी डिग्रियां हासिल करके वो ना तो अपनी रवायत भूलती हैं और ना ही अपना फर्ज। लेकिन फिर भी यही वो औरतें हैं जो हम मर्दों को सही और गलत की पहचान सिखाती हैं, हमें तहजीब तरबियत सिखाती हैं। और यही वो औरतें हैं जो हमारी नस्ल की खुशी सबसे ज्यादा मनाती हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो नस्ल बनी है। वो बच्चों की बातें करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि बच्चे ही एक औरत को औरत होने का सुकून बख्शते हैं। 4 किताबें पढ़कर अपर क्लास स्टाइल अपनाकर 2-4 इंग्लिश के जुमले बोलकर अगर कोई औरत बन जाती तो शायद इस्लाम में औरत को इतना बड़ा दर्जा कभी ना दिया जाता। खैर मैं भी पत्थर के आगे सर फोड़ रहा हूँ, बोर हो रही होगी तो मेरी बातों से, चलो कमरे में तुम्हारी बोरियत दूर करता हूँ पढ़े लिखे लोगों की तरह। वो शरारत से आंख दबाता अपनी बात खत्म करते हुए उसका हाथ थाम चुका था जबकि उसके अंदाज पर दर बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि वो किस तरह से उसकी बोरियत दूर करने की बात कर रहा था। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मैं खत्म करना चाहती हूँ ये रिश्ता। आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं रख सकते, बंद करें ये सारा ड्रामा। आज सुबह मेरे करीब आए, मैंने आपको मना नहीं किया क्योंकि ये डील 6 महीनों की है, लेकिन ये जो आपकी सोच है वो कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी मैं। दार उसके साथ चलते हुए सख्त लहजे में गोया हुई।
मैंने तुमसे कहा था कि तुम में और तुम्हारे बाप में कौन सी डील हुई है, उसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर, और तुम होती कौन हो मुझे अपने करीब आने से मना करने वाली? यह हक मुझे इस रिश्ते ने दिया है कि जब भी मैं तुम्हें चाहूँ तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ। फजूल में मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। दर मैं एक बात बार बार नहीं समझा सकता। कमरे में चलो और आकर यह पट्टी चेंज करो, काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, वो अपने कंधे की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो दर से मजीद कुछ भी बोला ना गया। सना पैसे लेकर बड़े मजे से अपने कमरे की तरफ जाते हुए ये सोच रही थी कि वह इन पैसों का क्या करेगी। इस शादी पर तो उसने साहिर को खूब लूटा था, उसके हिस्से में अच्छी खासी मोटी रकम आ चुकी थी जिससे वो खूब सारी शॉपिंग करने का इरादा रखती थी। दर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे दारम साईं की तरफ से अच्छी खासी पॉकेट मनी मिल रही थी, जबकि धर्निश ने भी अपने पैसे उन्हीं के हवाले कर दिए थे क्योंकि उसे शोहर को लूटना ज्यादा पसंद था, और सारे ही पैसे सना और सानिया के हो चुके थे। सानिया को इतने पैसे देना गलत था क्योंकि वो बच्ची थी और हमना को ये बात हरगिज पसंद नहीं थी, तो उसके पैसे भी उसी के पास थे और वो दोनों ही कुछ दिन के बाद खूब मजे करने के लिए शॉपिंग पर जाने वाली थी, जिसे सोचकर सना अभी से ही बेहद खुश हो रही थी। अपने कमरे की तरफ भरते हुए अचानक हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। अरे ये क्या, इतनी जल्दी लाइट ऑफ कर दी? उसने अपने मोबाइल की जानिब देखा। इतना भी कम वक्त नहीं हुआ था, रात के 2 बजने वाले थे। अरे ये तो अच्छा खासा वक्त हो गया, कल वलीमा है और मैं अभी तक जाग रही हूँ, मुझे सो जाना चाहिए, फजूल में सुबह आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। वो अपने कमरे की तरफ जाते हुए खुद ही बड़बड़ा रही थी जब अचानक किसी ने उसका हाथ थामा और उसे अंदर की जानिब खींचा। इससे पहले कि वो चीखती, किसी ने उसके लबों पर अपना मजबूत हाथ रख दिया था। मुझे लड़कियां चीखती चिल्लाती अच्छी लगती हैं, लेकिन तब तो वो मेरे कानों पर रक्स करते हुए चिल्लाती हैं, लेकिन जब मनकूहा चिल्लाए तो कानों के पर्दे फाड़ देने की नौबत भी आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, पर्दे तो हम दोबारा भी लगवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कानो कान खबर हो जाए कि कुछ घंटे का मासूम शोहर अपनी जालिम हसीन मनकूहा से मिलने के लिए आधी रात होने का इंतजार कर रहा है तो बेइज्जती भी हो सकती है, इसीलिए तुम्हें चीखने चिल्लाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा लड़की, उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए वो अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि आरिश की आवाज अपने बेहद करीब सुनते हुए पहले तो वो घबरा गई। अगर किसी ने उसे यहाँ आधी रात को उसके पास देख लिया तो कोई क्या सोचेगा, और ऊपर से ये बेशरम उसके कमरे में आधम का था। वो तो शुक्र है कि सानिया आज हमना चची साईं के साथ उनके कमरे में सोने वाली थी, क्योंकि सरमत शाह रात तक जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठने का इरादा रखते थे, उनके बहुत करीबी दोस्त शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। बेशरम आदमी, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसने जैसे ही अपना हाथ उसके लबों से हटाया वो बोल उठी। क्या तुमने मुझे बेशरम कहा? अपने शोहर को? लड़की बस जुबान कहीं की, सबसे पहले तो तहजीब और तरबियत सीखो। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि शोहर को तुम नहीं आप कहकर पुकारा जाता है, बल्कि हमारी खानदानी रवायत के मुताबिक तो साईं भी बोलते हैं। तुम मुझे साईं बोलो तो सही, इन लबों से जाना मैं इन लबों को ही ना चूम लूं। वो तो बेहद बेबाकी से बोला था। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं आरिश, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, उसकी बेबाकी पर तिल मिलाकर बोली। अगर तुम सिर्फ मुंह तोड़ने पर मुझे ये जसारत करने की इजाजत देती हो तो लो, मेरा मुंह हाजिर है। वो मजीद बेबाकी से उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला तो सना को मजीद घबराहट होने लगी। उसे कभी नहीं लगा था कि वो ऐसा शोहर होगा, और शोहर बनकर वो बिल्कुल ही फ्री हो गया था, लेकिन सना ऐसे नहीं होने दे सकती थी। आरिश छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो उसे पीछे करते हुए बोली, लेकिन वो सुन ही कहां रहा था। उसके हाथों को अपने हाथों में कैद करते हुए उसकी कमर के पीछे लॉक करता एक झटके से उसे अपने करीब करते हुए उसके लबों पे अपने लब रख चुका था। आज के बाद तुम जब मुझे तुम कहकर पुकारोगे तो याद रखना मैं किसी भी चीज का लिहाज नहीं करूंगा, बल्कि उसी तरह सजा दिया करूंगा। वो अपने अंगूठे से उसके भीगे लबों को छूते हुए उसे डरा रहा था। अब शोहर बन गया हूँ, शोहर वाला थोड़ा रोब तो होना चाहिए ना, आखिर तुम आरिश का इश्क साईं हो, तुम्हारे मुंह से साईं सुनकर ये आशिक सच में साईं ना हो जाए। उसके लबों को बेबाकी से छूता वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था जब उसने अपनी गिरफ्त हल्की कर दी। सना उसे पीछे धकेल कर तेजी से कमरे से वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि वो भी अब बाहर जाने का इरादा रखता था। साहिर ने कमरे में कदम रखा तो फूलों की खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। उसने एक नजर बेड पर देखा जहां वो करीब आकर नजर झुकाए खुद को पूरी तरह से घूंघट में कैद किए उसके इंतजार में बैठी थी। उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर गई, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। सनान साईं, मेडिसिन ले लूंगी, आप परेशान मत हो, वो उसे अपने लिए इतना फिक्रमंद देखकर जहां खुद पर नाज कर रही थी वहीं उसकी फिक्रमंदी पर उसे समझाते हुए बोली। डार्लिंग तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, फजूल में मेरे मुंह मत लगा करो वरना मैं मुंह भी चूम लेता हूँ। वो उसके लबों को चूमने ही वाला था कि जर्नीश ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसके हाथ से मेडिसिन लेना बेहतर समझा। उसने जैसे ही मेडिसिन लेकर पानी का घूंट बढ़ाते हुए ग्लास टेबल पर रखा, सनान ने उसका चेहरा अपने हाथ में थामते उसके लबों पर अपनी मोहर लगा दी। ये तुम्हारी भूल है कि तुम उसे बच सकती हो, इतने साल इंतजार किया तुम्हारा, तड़प तड़प कर मर जाए प्यासा और कुआं खड़ा तमाशा देखता रहे।
मैं कुआं हूँ, उसकी मिसाल पर वो उसे घूरते हुए बोली तो सनान साई के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। तुम कुआं ना सही, लेकिन मैं तो तुम्हारा प्यासा हूं ना, उसे बेड पर लेटाते हुए वो उसे अपनी बेकरारियां बताने लगा। तो वो भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती, उसकी मीठी मीठी जसारतों को सहती, उसे बातें करने में मसरूफ हो गई थी जब थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। यार ये रात के 2:30 बजे किसे सुकून नहीं है, वो बदमजा होता उसके करीब से उठकर दरवाजे की जानिब आया था। बाहर हमना चाची साई को खड़ा देखकर वो पहले तो हैरान हुआ। क्या हुआ चाची साई, सब कुछ ठीक तो है, आप इतनी रात गए यहाँ, वो उनसे सवाल करने लगा। बेटा दरअसल, मुस्कान अपनी दवा नहीं ले रही, वो कुछ हिचकिचाते हुए बोली, क्योंकि मुस्कान के नाम पर सनान के माथे की रगें वाजे होने लगी थी। तो मैं क्या करूं, वो जरा सख्त लहजे में गोया हुआ, जबकि वो घर के किसी भी बड़े से इतनी बेरुखी से बात कभी नहीं करता था। मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं सनान के हाथ से ही मेडिसिन लूंगी, और दारम साई ने सख्ती से कहा था कि उसका ख्याल रखा जाए, इसीलिए मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। अगर तुम एक बार चलकर उसे कहो कि वो मेडिसिन ले ले, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मानकर मेडिसिन ले ले, क्योंकि जिस तरह से तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो, वो कितनी बार कह चुकी है कि उसे तुम्हारे पास जाना है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल कर रखा है। देखें चाची साई, मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, और दारम साई उसे जबरदस्ती मेरे सर पर बांध रहा है, उससे मैं खुद बात कर लूंगा, आप फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दें, वो कितनी अच्छी है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो सख्त लहजे में गोया हुआ। तो जरी जो कब से उनकी बातें सुन रही थी उनके पास आ रुकी। चाची साई मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ, वो मेडिसिन जरूर लेगी, उसके अचानक पीछे से कहने पर सनान ने गुस्से से देखा था। तुम कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने, वो बेहद गुस्से से और बदलिहाजी से बोला था। मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस लड़की को कोई तकलीफ हो, वो बेचारी पहले ही इतनी बीमार है और आप इतनी सख्ती से पेश आते हैं उसके साथ। आप उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, तो ठीक है मैं बात करूंगी उससे, मैं समझाऊंगी उसको, आप यहाँ बैठे मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वो खुद ही फैसला करते हुए बोली। तो सनान ने उसे गुस्से से देखा, वो जितना उसे उससे दूर रहने के लिए कह रहा था वो इतना ही उसके करीब होती जा रही थी, और सनान को ये बात हरगिज कबूल नहीं थी। उसकी नजरों की वार्निंग को समझे बगैर ही वो कमरे से बाहर निकल गई। तो सनान गुस्से से आकर बेड पर लेटा, और उसके साथ उसकी नाराजगी पक्की थी यह तो तय हो गया था, जबकि उसकी नाराजगी समझने के बावजूद भी वो कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि उसे मनाने का इरादा वापिस आने के बाद रखती थी। उसका शर्माना घबराना देखकर साहिर शाह के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके बिल्कुल पास आते हुए कुछ फासले पर बेड पर बैठ गया। वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था, उसकी सब आंखें पूरे हक से उसके हसीन सरापे का जायजा ले रही थी। उसके हाथ घबराहट की वजह से कांप रहे थे। साहिर साई को ना जाने क्यों उसकी घबराहट बहुत अच्छी लग रही थी। अगर वो आज की रात के हवाले से सोचकर घबरा रही थी तो उसकी घबराहट जायज थी। अब उसका नशई अपना नशा पूरा करेगा तो पूरी तरह से करेगा, घबराना शर्माना तो उसका हक है। साहिर साई ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए मेहंदी से रंगे हाथ में अपना नाम देखा था। उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। उसके हाथ पर अपने लब रखते हुए वो उसके मजीद करीब हुआ तो वो अपना हाथ खींचकर पीछे हुई, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हटती साहिर साई उसके बाजू को पकड़कर अपने करीब पड़ चुका था। अब क्यों दूर हो रही हो मुझसे, मैंने पहले ही कह दिया था ना कि तुम मुझसे भाग सकती हो और ना ही दूर जा सकती हो, और वैसे भी आज तुम्हारा नशई साई अपना नशा पूरा करने की तैयारियों में है और तुम हो कि यूं दूर जा रही हो। अगर तुम घबरा रही हो या शर्मा रही हो तो ठीक है, चलो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई फजूल सोच आ रही है तो इसे दिमाग से निकालो और जल्दी से मेरे पास आओ, वो बेखुद हुआ जा रहा था। तब पहले तारीफ तो करें मेरी, उसने घबराते हुए धड़कते दिल के साथ इल्तिजा की थी, और उसकी बात सुनकर साहिर शाह का कहकहा बुलंद हुआ। अब इतनी भी प्यारी नहीं लग रही कि तारीफें करने बैठ जाऊं, उसका घूंघट एक ही जस्ट में पीछे हटाता वो उसकी छोटी सी जान पर अच्छा खासा जुल्म कर गया था। क्या मतलब इस बात का, वो हसीन लग रही थी, ये बात हर बंदे ने बताई थी, और यहाँ उसका शोहर क्या कह रहा था कि वो इतनी भी प्यारी नहीं लग रही कि वो तारीफ करने बैठ जाए। उसे दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि होंठ रोने के लिए बाहर आ गए थे, बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह। अच्छा ठीक है मुना बनाओ, मैं करता हूँ तारीफ, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की, नहीं चाहिए मुझे आपकी तारीफ, वो गुस्से से उसके करीब से उठने ही लगी थी कि अचानक साहिर साई ने उसका हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचा। वो अपनी तमाम तर खूबसूरती और दिलकशी के साथ उसकी पनाहों में आ गई थी। क्या इतनी तारीफ काफी नहीं है कि यह नशई सिगरेट छोड़कर आया है दरवाजे पर, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए वो उस अंदाज में बोला कि जावी से निगाहें उठाना दोबर हो गया। कोई एहसान नहीं किया आपने जो नशा बाहर छोड़कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नशा, वो बोलते बोलते अचानक की जुबान दांतों तले दबा गई थी।
वो जानती भी नहीं थी कि वो कौन सी बात कह गई थी और वो उसकी बात को किस अंदाज में लेने वाला था। उसकी आधी अधूरी बात पर कमरे में एक बार फिर से साहिर शाह का कहकहा बेख्तियार गूंजा। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन आज मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत समझदार हो, सब समझती हो तुम। तो तुम्हें नादान बच्ची समझ रहा था, लेकिन शुक्र है तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नशा सर चढ़कर बोल रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करते। उसके दोनों बाजुओं को अपनी ग्रिफ में लेता बेड पर रखते हुए वो उसके लबों पर झुका था। वो उसके लबों को अपनी कैद में लेता मुकम्मल बेखुदी से उसे छूने लगा था। उसका अंदाज इतना शिद्दत दिए हुए था कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसने बेख्तियार उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। अब क्या मसला है? उसके जोर लगाने पर वो उसके लबों को आजादी बख्शता हुआ पूछने लगा। मेरी सांस रुक रही है साईं, गहरा सांस लेते हुए वो बोली। तो साहिर साईं के लबों पर एक बार फिर से दिलकश मुस्कुराहट ने जगह बनाई। ये नशा चीज ही ऐसी है, या तो खुद खत्म हो जाता है या सामने वाले को खत्म कर देता है। उसके बात को अपने अंदाज में लेता वो इस बार उसकी गर्दन पर झुका था। उसके भारी नेकलेस को उसकी गर्दन से अलग करते हुए वो उसे फेंक चुका था। आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? उसके बेबाक अंदाज और जसारतों को सहती हुई उसने एक छोटी सी कोशिश की थी उसे अलग होने की। भारी सांसों के साथ उसने बड़ी मुश्किल से ये सवाल पूछा था, जबकि अपने कानों से झुमके उतरने पर उसका दिल धड़कने लगा था। मैं खुद तुम्हारे लिए एक तोहफा हूँ, कबूल करो, अब डिस्टर्ब मत करना, आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी सांसों की आवाज ही काफी है हसीन रात को मजीद हसीन बनाने के लिए। वो उसके लबों को चूमता पीछे को होता अपनी कमीज के बटन खोलकर उसके हसीन सरापे को भारी दुपट्टे की कैद से आजाद करने लगा। अब उसे मजीद घबराहट होने लगी थी, दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। राविश को वो दिन याद आया था जब वो उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ किचन में बिना जूते और दुपट्टे के ले आया था। उस दिन बड़े इस्तेहकाक से कहा था, मेरे सामने दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं, मैं कौन सा कोई गैर हूँ। उस दिन वो उसके हसीन बालों की आबशार को घूरता रहा था और आज वो आबशार को खुद पे बहते हुए महसूस करना चाहता था। उसके बालों का जूड़ा खोलते हुए उसकी काली जुल्फों को उसकी कमर पर बखेरता उसका हाथ उसके जुल्फों के पीछे उसकी डोरियों में उलझने लगा। एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुकते हुए उस पर इस्तेहकाक की मोहर लगाता वो उसकी गर्दन को अपने लबों से छू रहा था। राविश की सांसें तेज होने लगी थी, वो उसे जितना खुद से दूर करने की कोशिश करती उतना ही उस पर हावी होता जा रहा था। नशा पूरा करना इतना भी आसान नहीं था जितना उसने समझ रखा था। साई, वो भारी होती सांसों के बीच बड़ी मुश्किल से कुछ कहने के लिए हिम्मत कर पाई थी। तुम्हें मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है ना, तो छोड़ आया हूँ आज मैं सिगरेट को, अब मुझे मेरा नशा पूरा करने दो। तुम्हारी आवाज नहीं सुननी, तुम्हारी सांसों की सरगम सुननी है, सिर्फ तुम्हारी धड़कनों का शोर सुनना है। उसने थोड़ी को चूमते हुए वो अपना कुर्ता उतार कर दूर फेंक चुका था। साईं प्लीज आप सिगरेट ही पी लें। उसके सीने पे हाथ रखते हुए वो उसे खुद से दूर करती बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज बोल पाई थी। आप फरार मुमकिन नहीं मासूम लोमड़ी, मेरा नशा भी तुम हो और सुकून भी तुम हो, आज मुझमें सिर्फ तुम ही तुम हो और ख्वाहिश ये है कि तुम में भी आज मेरे अलावा और कुछ ना रहे। वो भारी बोझल लहजे में कहता उसे खामोश करवा गया था, जबकि उसकी घनी मूंछों की चुभन अपने कानों और गाल पर महसूस करते हुए वो अपनी आंखें सख्ती से बंद कर गई। इस बेलगाम शख्स की लगाम खींचना आज उसके बस से बाहर था, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने बचाव के लिए सवाए इसके आज वो उसकी हो जाए। अपनी मजाहमत छोड़कर उसने उसके गिर्द अपनी बाहों का नाजुक हसार बनाया, वो उसकी बाहों में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कोई और गुफ्ताखी करता अचानक बाहर गोलियां चलने की आवाज आई। रात के इस वक्त कौन आतिशबाजी कर रहा है, उसे समझ में नहीं आया, जबकि आतिशबाजी करने से मना कर दिया गया था क्योंकि सानिया आतिशबाजी से खौफजदा हो जाती थी और इस वक्त भी उसे उसी की चीख सुनाई दी थी। या अल्लाह, बाहर गोलियों की आवाज पर जाविश अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, जबकि साहिर अपनी कमीज पहनता रिवॉल्वर उठाकर तेजी से बाहर की जानिब भागा था, क्योंकि गोलियों की बौछार से उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये आतिशबाजी नहीं हो रही बल्कि हवेली पर किसी ने हमला किया है। सब लोग बाहर जमा हो चुके थे, मेहमानों की चीखों पुकार के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड तेजी से अंदर की जानिब भर रहे थे। साहिर साईं छत दारम साईं तेजी से भागता हुआ साहिर से बोला, तो वो भी उसके पीछे ही छत की जानिब भागा था। वो जितनी तेजी से ऊपर की जानिब आ रहे थे उतनी तेजी से सामने से आने वाले शूटर ने दारम साईं के सीने के बीचों बीच गोली चलाई थी, लेकिन साहिर के अचानक झटका देने की वजह से गोली उसके सीने के बजाय उसके कंधे पर लगी और अगले ही लम्हे साहिर ने अपने रिवॉल्वर से सामने खड़े शूटर पर हमला कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता पीछे से दो लोग और सामने आए, लेकिन वो शूटर नहीं थे बल्कि पठान लग रहे थे। गोली सारा ओला बेबच नाशी।
गोली मार दो इसको, जिंदा नहीं बचना चाहिए। चिल्लाने की आवाज आई। दारम को लगा ये उस पर हमला करने की बात हो रही है, लेकिन उन लोगों का रुख उसकी जानिब नहीं बल्कि साहिर की जानिब था। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, उन लोगों ने साहिर पर गोलियां चला दी। वो साहिर को बचाने की कोशिश में उन लोगों पर गोलियां चला चुका था, लेकिन उनकी पिस्तौल से निकलने वाली गोली साहिर का सीना चीर चुकी थी। आग की तरह दहकते शोले ने जहां उसका सीना चीरा था, वहीं दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। उसके पूरे बदन को जैसे झटका लगा था। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, सनान ने उसे थामकर गिरने से बचाया था। दारम इन लोगों को छोड़कर साहिर की जानिब मुतवज्जा हुआ तो वो लम्हे के हजारवें हिस्से में वहां से गायब हुए थे। जैसे उनका यहाँ आने का मकसद ही साहिर पर गोलियां चलाकर उसे कत्ल करना था, जबकि वो शूटर जो देखने में कोई अंग्रेज लगता था, वो भी अपना मकसद पूरा किए बिना वक्त की नजाकत को समझते हुए वहां से गायब हो चुका था। साहिर साई, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साहिर, आंखें बंद मत करना, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर गाड़ी निकालो, साहिर साई को गोली लगी है। अपने कंधे पर लगे जख्म को नजरअंदाज करता वो चिल्लाते हुए बोला। कुछ गार्ड इन लोगों के पीछे भाग चुके थे, जबकि बाकियों को साहिर साई की जिंदगी की फिक्र लग गई थी। जबकि सनान साई और आरिश साई सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दारम तो जैसे पागल हो गया था। गार्ड्स को यूं ही खड़े देखकर वो खुद ही से अपने कंधे पर उठाता तेजी से सीढ़ियों से नीचे की जानिब भागा था। वो बेहोश था या होश में कोई नहीं जानता था, बस पता था तो इतना कि उसे गोली लगी है। और फिर जैसे ही हवेली से गाड़ियां अस्पताल की जानिब निकली, पूरा गांव रोशनी में नहा गया। किसी को पता था तो सिर्फ इतना कि गाँव के सरदार के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है और उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। हमलावर कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को कानो कान खबर न हुई। सवाए शूटर के कोई नहीं जानता था कि बाकी लोग कौन थे। स्याह शलवार कमीज पहने वो कंधे पर कपड़ा रखे हुए थे, जबकि हाथों में रिवॉल्वर थाम रखी थी जिनसे उसने साहिर पर हमला किया था। दारम साई भी उनके बेहद करीब खड़ा था, लेकिन उनका शिकार दारम था ही नहीं। वो लोग साहिर को ही मारने आए थे और उन्होंने अपना मकसद पूरा किया था। वो लोग हवेली से नीचे की जानिब भाग गए थे और देखते ही देखते वो कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ समझ नहीं आया। उनके हिसाब से हवेली के अंदर 6 लोग थे जो कि गलत नियत से अंदर गए थे। 3 लोगों को उन्होंने देखा था, जबकि बाकी के 3 लोग नीचे ही थे, क्योंकि भागने वाले 3 लोगों में से उन्होंने 2 को पहचान लिया था। लेकिन अफसोस कि वो उनमें से किसी को भी पकड़ ना सके। पहले तो वो हवेली के अंदर ही कहीं गायब हो गए और फिर हवेली से बाहर भागने के तकरीबन 15 मिनट बाद उन्हें पता चला था कि वो लोग हवेली की हदूद को पार कर चुके हैं। वो जो कोई भी थे बहुत ज्यादा शातिर थे, लेकिन एक चीज जो इन सबने समझी थी वो ये थी कि उनमें से 5 लोग जो पश्तो में बात कर रहे थे वो साहिर को मारने आए थे, जबकि वो शूटर दारम पर गोली चला रहा था। साईं, आपके जिस्म में जहर फैल जाएगा, प्लीज समझने की कोशिश करें, हमें गोली निकालने का मौका दे दें वरना आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो जब से अस्पताल पहुंचा था चिल्लाए जा रहा था उसे सिर्फ और सिर्फ साहिर साई की जान की परवाह थी, लेकिन जिस तरह वो खुद जख्मी हालत में था, डॉक्टर को उसकी भी परवाह करनी थी। उसके कंधे से मुसलसल खून बह रहा था जिसे वो बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने दर्द की कोई परवाह ही नहीं है या उसे अपने जख्म से कोई तकलीफ ही महसूस नहीं हो रही। उसका पागलपन देखकर डॉक्टर उसे समझाते हुए कह रहा था कि उसे इलाज की जरूरत है, जबकि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। उसे पता था तो सिर्फ इतना कि साहिर साई को गोली लगी थी और उसकी जान खतरे में थी। अगर उसका इलाज वक्त पर ना हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। उसके सामने बार बार साहिर साई का खून आलूदा जिस्म आ रहा था। उसके जिस्म से खून फवारों की तरह बह रहा था। जिस तरह से गोली उसके आंखों के सामने उसके सीने को चीरते हुए उसके खून के अंदर गायब हुई थी, दारम साई उस वक्त से पागलों जैसी हालत में था। उसे पता था तो सिर्फ इतना कि साहिर साई की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने तुमसे कहा मेरे भाई का इलाज करो, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। डॉक्टर, मैं इस अस्पताल को सफाई हंसी से मिटा दूंगा, वो उसको गिरेबान से पकड़ते हुए हजियानी अंदाज में बोला था। साहिर साई का इलाज चल रहा है, आप अपने बारे में सोचें, आपको गोली लगी हुई है, खून बह रहा है, जहर सारे जिस्म में फैल रहा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरे अस्पताल को सिर्फ और सिर्फ साहिर साई के इलाज में लगा दे। अपने सामने खड़ा ये डॉक्टर भी उसे इस वक्त जहर लग रहा था जो उसके भाई को बचाने की बजाय उसके साथ टाइम पास कर रहा था। डॉक्टर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे साहिर साई को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मुझे मेरी जान से प्यारा है, वो मेरा छोटा भाई है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं सबसे पहली गोली तुम्हारे सीने में उतारूंगा, आई मेरी बात तुम्हारी समझ में, उसके गिरेबान को जकड़े बेहद गुस्से से बोला तो डॉक्टर ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। उसे लग रहा था कि सामने खड़ा उसके गांव का सरदार पागल हो चुका है।
मेरा भाई तकलीफ में है डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके गिरेबान को छोड़ते हुए वो जुनूनी लहजे में बोल रहा था। वहां खड़ा हर इंसान समझ चुका था कि साहिर साईं धर्म साईं के लिए किस हद तक अहम है। वो खुद घायल था, उसकी अपनी हालत खराब हो रही थी, उसे चक्कर तक आ रहे थे, लेकिन उसे पता था तो सिर्फ इतना कि साहिर साईं को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना समझाने के बावजूद भी जब वो उनकी बात को ना समझा तो डॉक्टर नफी में सर हिलाता खुद ही उसके सामने हारते हुए साहिर के ऑपरेशन थिएटर की जानिब चला गया था। जबकि वो वहीं बैठता डॉक्टर की तरफ से किसी अच्छी खबर का इंतजार करने लगा। सनान साईं उसके साथ ही बैठा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर की बातें दोहराने लगा था, जबकि आरिश सिर्फ उसे देख रहा था। उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत ना बची थी। यूं अचानक इतना बड़ा वाकया हो जाना बहुत ज्यादा हैरानकुन था। किसी के महमो गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये क्यों हुआ था, किसने किया था, आखिर कौन था हवेली वालों का दुश्मन जो इस हद तक चला गया था, किसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि दारम साईं के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करे, किसका हौसला था कि घर के अंदर दाखिल होकर कोई साहिर साईं और दारम साईं पर जानलेवा हमला करे। दारम के बहुत दुश्मन थे, सबको अंदाजा था कि उसके दुश्मनों की तादाद कम नहीं है, लेकिन कोई ऐसा दुश्मन जो उसके भाई को मारकर उसे कमजोर करना चाहे। सब लोग समझ चुके थे कि वो जो कोई भी था उसका मकसद दारम साईं को नहीं बल्कि साहिर साईं को जान से मार देना था। लेकिन साहिर साईं का तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं था। वो ना तो किसी से ज्यादा घुलता मिलता था और ना ही ज्यादा किसी से बात करना पसंद करता था। उसकी लाइन अलग थी, उसकी सोच अलग थी, उसके बारे में तो घर के लोग भी ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो फिर ऐसा कौन हो सकता था जो उसे जान से मारने की कोशिश करे। सबका अंदाजा यही था कि वो जो कोई भी था असल में दारम का दुश्मन था, साहिर साईं का नहीं, लेकिन उसका मकसद साहिर साईं को मारना था। लेकिन कौन हो सकता है, किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है, कौन दारम शाह से दुश्मनी में इस हद तक जा सकता है, ये जानना मुश्किल काम था। लेकिन पुलिस अपने काम पर लग चुकी थी। हवेली के अंदर किसी भी तरह का कैमरा नहीं लगा था, लेकिन हवेली के दरवाजे पर लगे कैमरे से वो सिर्फ इतना ही पता कर सके थे कि 5 पठान और 1 अंग्रेज था। जो लोग कपड़ों में थे उन्होंने अपना चेहरा ढांप रखा था, जबकि अंग्रेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल सही थी। ये वही आदमी था जो कुछ दिन पहले ही लंदन की जेल से आजाद हुआ था। अब तक इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो लोग नहीं निकाल पाए थे, और दारम साईं के गुस्से की एक वजह ये भी थी कि उसी के घर के अंदर घुसकर कोई उसके भाई पर गोलियां चलाकर उसे जिंदगी और मौत के बीच लड़ने छोड़ गया, और वो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका। उसका दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे, सबको आग लगा दे, बस सिर्फ और सिर्फ साहिर को बचा ले, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब साहिर की जिंदगी अल्लाह के हाथ में थी, वही जानता था कि अब आगे क्या होना है। मेरा बच्चा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा साहिर को, अल्लाह उसे जिंदगी दे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे मासूम बच्चे को। जरीन बेगम जाविश को अपने सीने से लगाए हुए थी, जबकि वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि उसे अपने दारम अदा और साहिर साईं के पास जाना है। कहने को साहिर साईं के पास माँ ना थी, लेकिन आज यहाँ बैठी 3 औरतें जो सिर्फ उसके लिए आंसू बहा रही थीं, उसकी माँ से कम भी नहीं थीं। असगर, हारून और सरमद शाह परेशान थे, जबकि हैदर शाह उन लोगों के साथ ही जा चुके थे। दारम की अपनी कंडीशन ठीक नहीं थी और ऐसे में किसी बड़े का साथ होना बेहद जरूरी था। जबकि इस बात को लेकर उन्हें सुकून आया था कि दारम साईं को गोली बाजू में लगी थी और उनकी कंडीशन इतनी खराब नहीं है जितनी के साहिर साईं की ऑपरेशन अब तक जारी था। अभी तक डॉक्टर की तरफ से कोई भी माकूल खबर ना मिली थी। बड़ी बीबी माँ थी जो दारम के इस दर्द पर भी अपने आंसू रोक नहीं सकी थी, जबकि इस वक्त वो साहिर साईं के लिए दुआगो थी, क्योंकि साहिर भी उन्हें दारम की तरह अजीज था। नूर इस वक्त असगर शाह के सीने से लगी आंसू बहा रही थी और वो उसे संभालने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। नूर, मेरा बच्चा, तुम क्यों रो रही हो, दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। ना जाने किसने हवेली पर हमला किया है और क्यों, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे घर के बच्चों पर कोई इस तरह से बदला लेने आ पहुंचा। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को जिंदगी दे। आप खड़े क्या हैं, फोन करें आरिश और सनान साईं को, कुछ पता तो चले, बड़ी बीबी असगर साहब को देखते हुए बोली जो मुसलसल फोन हाथ में पकड़े टहल रहे थे। बच्चियों की हालत ने उन्हें भी हौसला छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अभी उनकी बेटी को सुहागन हुए कितने घंटे गुजरे थे कि उसका सुहाग जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। हाँ, मैं फोन कर रहा हूँ, तुम बच्चियों को संभालो, वो नूर को अपने सीने से लगाते हुए बोलते जरनिश को इशारा करने लगे कि वो नूर के पास आए, क्योंकि नूर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी। यूं अचानक इतने बड़े झटके ने सब पर ही असर किया था। सरमद शाह के पास बोलने के लिए कुछ ना था। अपनी बेटी की हालत देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो ड्रामा कर रही है या सच में आंसू बहा रही है, लेकिन उनके पास फिलहाल सोचने का भी वक्त नहीं था। वो सोच रहे थे क्यों ना वो भी शहर चले जाएं, लेकिन इन सबको यहाँ इस हालत में छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था, जबकि सनान को उनकी भी सेहत की परवाह थी। उसने कहा था वो सब कुछ संभाल लेगा।
घर का माहौल काफी ज्यादा आसुदा था। सब मेहमानों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह हवेली पर हमला हुआ था ऐसे में मेहमानों को रोकना ठीक नहीं था। कहने को तो कल वलीमा था, लेकिन अब वो होना नामुमकिन हो चुका था। वो लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते थे साहिर के लिए, क्योंकि जिस हालत में वो इस वक्त था, डॉक्टर उन्हें अच्छी उम्मीद नहीं दिलवा पा रहे थे। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था, गोलियां निकाल दी गई थी, लेकिन साहिर साईं को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगले 48 घंटे में उसे होश नहीं आया तो जान भी जा सकती है। डॉक्टर की इस बात ने दारम साईं को मजीद बेचैन कर दिया था। वो अपने भाई को खोना नहीं चाहता था, जबकि जहर पूरे जिस्म में फैल जाने की वजह से दारम की आंखें अब बंद होने लगी थी। वो गिरने लगा, उठा के सनान ने उसे थाम लिया। मुसलसल 8 घंटों से वो एक ही जगह बैठा एक ही नुक्ते को सोच रहा था, और अब जैसे उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी आंखें बंद हुई तो डॉक्टर ने भागते हुए सबसे पहले उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। सनान साई ने किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं किया था, वो खुद यही चाहता था। उसके गुस्से और जुनून के सामने डॉक्टर बेबस थे, लेकिन उसके बेजान होने की देर थी कि अस्पताल की एक बड़ी टीम सिर्फ दारम शाह के इलाज के लिए खड़ी हो गई थी। ये अस्पताल उसने बनवाया था, उसे इस गांव का सरदार बने 4 साल होने को आए थे। उसने इस गांव के लिए अपने दिन रात की मेहनत लगा दी थी। अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा उसने सिर्फ इस गांव की बेहतरी में लगाया था। गांव का ये अस्पताल शहर और गांव के रास्ते के बीचों बीच, यहाँ पर बड़े बड़े शहर से भी लोग इलाज के लिए आते थे और गाँव के सब लोग भी उसी तरफ जाते थे। अब यह अस्पताल शहर की हदूद में शामिल हो चुका था, लेकिन फिर भी ये सब लोग ना सिर्फ दारम साईं को अपना सरदार कहते थे बल्कि दिल से मानते थे। बेशक वो अस्पताल गांव के हदूद से बाहर निकल चुका था, लेकिन फिर भी अब तक वो गांव की मलकियत था। उन्हीं के गांव के बहुत सारे डॉक्टर जो अब इस अस्पताल में बड़ी पोस्ट पर अपना काम सर अंजाम दे रहे थे, इस वक्त दारम साईं के इलाज के लिए हाजिर थे। ऑपरेशन हो जाने की खबर घर तक पहुंच चुकी थी। सब लोग सिर्फ दुआओं में लग गए थे कि साहिर साईं को होश आ जाए। सबके लबों पर बस यही एक दुआ थी। जाविश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक हो क्या गया था, आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। साहिर साईं ने किसी का क्या ही बिगाड़ा था, वो तो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था। उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी थी, कोई क्यों उसकी जान लेना चाहता था। सब लोग उसे आराम की गोली देकर कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि इस माहौल में आराम जैसे उसने खुद पर हराम कर रखा था। वो जाय नमाज बिछाए उस पर बैठी खुदा से दुआएं मांग रही थी कि उसके भाई और शोहर को कुछ भी ना हो। कहते हैं मासूमों की दुआएं लगती हैं, वो भी तो मासूम थी, सिर्फ अपने शोहर से मोहब्बत करती थी, अपने भाई का मान था। उसे कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा था, तो अल्लाह भी तो ऐसे ही लोगों की सुनता है, और उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी जरूर सुनेगा। इसीलिए तो वो मुसलसल सिर्फ दुआएं मांगने में लगी हुई थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। थोड़ी देर पहले की ही बात है, जब उसे रुखसत किया गया था तब भी वो रो रही थी, लेकिन वो आंसू गम के नहीं, तकलीफ के नहीं, लेकिन जो आंसू वो इस वक्त बहा रही थी वो तकलीफ के थे, शदीद गम के थे। उसे अपने शोहर की तकलीफ से तकलीफ हो रही थी, उसे अपने भाई के दर्द से तकलीफ हो रही थी, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सवाए दुआओं के। कभी कभी हम बहुत बेबस हो जाते हैं, अपनों के लिए ही हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, हमारे अपने हमारे सामने तड़पते हैं और हम खड़े सिर्फ तमाशाई बन जाते हैं। वो लोग जिनकी आंखों में हम नमी तक नहीं देखना चाहते, वो हमारे सामने रो रो कर खुद के बर्बाद हो जाने की दास्तान सुनाते हैं और हम खामोश और बेबस होते हैं, जिस तरह वो खुद बेबस थी। लेकिन वो बेबस नहीं रहना चाहती थी, उसे यकीन था कि उसका अल्लाह उसकी सुनेगा, इसीलिए तो वो सिर्फ उसी से मांग रही थी जो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। मैं कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की, अगर मिला तो बता दूंगी, तुम फोन रखो, मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं कर सकती। वो खामोशी से रात के अंधेरे में उस कमरे में आई थी और अब पागलों की तरह उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। अलमारी साइड दराज, यहाँ तक कि उसकी तिजोरी तक उसने बड़ी आसानी से खोल ली थी। ये सब उसके लिए मुश्किल नहीं था, वो इन कामों में माहिर थी। देखो लड़की, जो हम कह रहा है वो करो, हमको किसी भी हालत में वो लॉकेट चाहिए। इससे पहले कि वो लॉकेट इस घर से निकले, तुम उसको ढूंढो और हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारा जान लेने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। फोन की दूसरी जानिब उसे धमकी सुनाई दी तो उसके हाथ रुक गए। मुझे धमकियां देना बंद करो, मत भूलो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जितना मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है, इसका एक फीसद भी तुमने नहीं गुजारा, इसीलिए बेहतर है कि अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। वो बेहद गुस्से से बोली थी। इतना हुक्म तो उनका बॉस मर्दान खान उस पर नहीं चलाता था जितना ये आदमी उस पर चलाता था। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ, तुमने वो वीडियो क्लिप देखा जिसमें हमारा चेहरा तो नजर नहीं आ रहा ना? उसे कुछ घबराई हुई आवाज सुनाई दी तो वो मुस्कुराई। ना खान, मैंने वीडियो देखी, तुम्हारा चेहरा साफ नजर आ रहा है, और सुबह दारम साईं तुम्हारा स्केच बनवाकर पूरा गली मोहल्लों में लगाने वाला है।
कुलवशा हम मजाक के मूड में नहीं है, हम पहले ही इतना परेशान है। वो तो शुक्र है कि हमने गोली साहिल शाह के सीने के बीचों बीच मारी, जिंदा नहीं बचेगा वो, और अगर जिंदा बच गया तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास अच्छा खासा वक्त है, अपना काम करो और जल्दी से जल्दी सारे सबूत निकालो वहां से और निकलो इस हवेली से, तुम्हारा इस हवेली में जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। वो तो ठीक है खान, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ आधे अधूरे सबूत मिलेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है साहिल शाह दूसरी फाइल आगे तक पहुंचा चुका है। मर्दान खान की आजादी मुमकिन तो तब भी नहीं होगी, वो कुछ परेशान से लहजे में बोली। तुम बस वो सबूत निकालो बलवशा, बाकी मर्दान खान को हम कैसे छुड़ाएंगे ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि अब हमारे हाथ इस साहिल शाह का कमजोरी लग गया है। वो कुछ अजीब से लहजे में यकीन से बोला तो बलवशा को हैरत हुई, लेकिन मजीद उससे बहस करके वो अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसीलिए फोन बंद करते हुए अपने काम की जानी मुतवजा हो गई, जबकि उसे बाहर से किसी के पैरों की चाप सुनाई गई। तुम रात के इस वक्त साहिल साईं के कमरे में क्या कर रही हो? वो जैसे ही अपना दुपट्टा चेहरा ठीक करती बाहर निकली, सामने ही सरमद शाह को खड़े देखा। धर्म साईं को होश आया तो जैसे एक बार फिर से साहिल साईं का खून उसकी आंखों के सामने आ गया। उसका गुस्सा एक बार फिर से जाहिर होने लगा था। साईं सब्र करें, अभी तक साहिल साईं को होश नहीं आया। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 48 घंटे तक होश ना आया तो जान को खतरा हो सकता है, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद है, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान मत हो, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वो अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। हौसला रखें, सब कुछ बेहतर होगा, अगर साहिल साईं के नसीब में सांसें हुई तो उन्हें कुछ नहीं होगा, वो अभी तक इंजेक्शन के जरिए असर था और ना वरना उस पुलिस वाले की बात पर उसका मुंह तोड़ने पर भी पीछे ना हटता। तुम मेरे सामने ज्यादा भाषणबाजी मत करो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारी वर्दी का भी ख्याल नहीं करूंगा, वो उसे सुर्ख निगाहों से घूरते हुए बेतहाशा गुस्से से बोला तो इंस्पेक्टर नजरें झुकाता बाहर निकल गया। इस बात में कोई शक नहीं था कि अल्लाह बेनियाज है, वो बेहतर जानता है, लेकिन उसे नाउम्मीद करने वाला ये कौन था जो उसके सामने उसकी भाई की नसीब की सांसें गिन रहा था। वो अपने ऊपर से कंबल हटाता उठने लगा तो सनान साईं ने भाग कर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सुर्ख आंखों के अंदर देखता वो खुद ही घबरा कर पीछे हट गया। इस वक्त वो ना तो किसी को सुनना चाहता था और ना ही किसी को देखना चाहता था, इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ साहिल साईं की जिंदगी चाहता था। सनान खुद ही उसके रास्ते से हट गया। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ साहिल साईं के कमरे के बाहर क्या कर रही थी और किसकी इजाजत से तुम यहाँ आई हो? आधी रात को साहिल साईं के कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में आने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? बलवशा खान, वो उसके सामने खड़े उसके आग छुपे चेहरे पर नजरें गाड़े उसे सवाल कर रहे थे, जबकि सामने खड़ी लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। वो साईं, कमरे की लाइट खुली हुई थी, मैंने सोचा साईं तो घर में है नहीं तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो अपने सामने खड़े सरमद शाह से निगाहें चुराते हुए बोली। उसे इस हवेली में काम करते तकरीबन 2-2.5 माह ही हुए थे, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगाया था कि वो काफी अजीब सी है, कभी चीजों की ताक झांक करती है तो कभी जहाँ घर के पर्सनल मसले हल हो रहे होते हैं वहां कान लगाकर सुनती है। उन्हें ये सब हरकतें बहुत बुरी लगती थी, उनका दिल तो चाहता था कि वो उसे नौकरी से ही खारिज कर दें, लेकिन फिर उसका रोना धोना शुरू हो जाता था कि वो बहुत गरीब खानदान से है, बहुत गरीब है, खाने पीने को भी कुछ नहीं। वो अपने घर में किसी पठान को कभी भी मुलाजमत के लिए नहीं रखते थे, क्योंकि पठानों को समझना उनके बस से बाहर था, और ये लड़की तो ज्यादातर पश्तो में ही बात करती थी, जिसकी वजह से वो उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे, और इससे बड़ा मसला ये था कि अक्सर वो भी उनकी बातों को समझ नहीं पाती थी। उसकी बेबसी देखते हुए उन लोगों ने उसे नौकरी तो दे दी थी, लेकिन वो उसके काम से ज्यादा खुश भी नहीं थे। कर दी लाइट ऑफ, अब निकलो, और जब तक कमरे में कोई ना हो तब तक इस तरह से मत जाया करो, इजाजत लेना जरूरी होता है, वैसे भी साहिल साईं का कमरा बंद था तो तुम्हें खोलकर अंदर जाने की जरूरत नहीं। अब ये कमरा एक शादीशुदा कपल का है, जाविश की तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी लड़की इस तरह मुंह उठाकर कमरे के अंदर चली जाए, तो आइंदा एहतियात करना, वो सख्ती से कहते आगे बढ़ गए, जबकि पीछे खड़ी लड़की मुंह बनाती सीढ़ियों से नीचे उतर गई। सो ह्यूमन राइट्स फैमिली, यहीं पर हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द आ जाऊंगी, तब तक मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी मदर को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए दुआ किया करें, वो जल्द 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 सेहतयाब हो जाएं, उनकी तबीयत कुछ कुछ ख़राब रहती है, तो प्लीज़ 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 उनके लिए दुआ किया करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने लगें, और अल्लाह पाक उनका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखें, और बाकी बस अगली एपिसोड का वेट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।